हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे देखो सनम मर कर भी हम। त्रिवेदी जी, हेलो गुरु जी, हेलो भाई, क्या हाल हैं आपके? भृगु त्रिवेदी जी कैसे हैं सर? आपकी ही राह देख रहा था। थैंक यू वेरी मच त्रिवेदी जी। बस थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ आने में, यहाँ पर पहुँचने में थोड़ी सी देर हो जाती है यार। पेट में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। आपने इंस्टाग्राम का रिप्लाई नहीं दिया यार। त्रिवेदी जी माफ़ी चाहूँगा, मैंने अभी एक्चुअली पढ़ा ही नहीं है वैसे इंस्टाग्राम। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम से जो रिप्लाई आप लोगों के पास आते हैं वो पहले मेरे तरफ से नहीं आते, वो आते हैं मेरी कोलीग है स्वीटी जी, वो रिप्लाई करती है आप लोगों को, तो मैं भी देख लेता हूँ उसको रात को। वैसे मैं चेक कर लेता हूँ कभी कभी, मैं खुद भी करता हूँ, बट हो सकता है उसने ना किया हो आज आपको कोई भी रिप्लाई, और सुबह से यार मैंने भी चेक नहीं करा, तो माफ़ी चाहूँगा। बाकी अब रात को जैसे ही देखूँगा तो क्या क्वेश्चन है आपका वो ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। अगर आप चाहो तो यहाँ पर पूछ सकते हो, अगर आप चाहो तो। तेरे दिल में हमें सुनील कुमार जी नमस्कार। अमित भैया जी, अमित सुनील जी नमस्कार, कैसे हो आप? आज नहीं किया मैसेज, 15-20 दिन हो गए यार, 15-20 दिन हो गए रिप्लाई नहीं आया, फिर तो बड़ी वाली माफ़ी चाहूँगा यार। बताओ भैया क्या मैं क्या बात है, बताओ आप, यहीं पूछ लीजिए हमसे, यहीं पर क्लियर कर लेते हैं उस बात को। बाकी इतना टाइम से अगर मैसेज है आपका तो रिप्लाई नहीं आया है तो बड़ी मुश्किल वाली बात है ये, कि ऐसा क्यों हुआ है कि आपको रिप्लाई नहीं आया है यार। इसका क्या करूँ मैं, कहाँ रखूँ इसको मैं, थोड़ा सा स्टेबल रहे जिससे ये मेरे आपने इधर पूछने को मना किया था यार। अगर प्राइजेस वगैरह की बात है तो फिर तो वहीं पर पूछता हूँ। आप एक काम करो, आप मुझे आप एक बार दोबारा मैसेज कर दो यार उस पर, तो मैं खुद ही अभी रात को चेक करूँगा, तो आपको मैं जो भी जवाब हो सकेगा मुनासिब उस बात का वो आपको मैं दे दूँगा। वरिंद्रा जी नमस्कार, नमस्कार रविंद्रा जी, सुनील कुमार जी, भैया अमित जी, और आप कैसे हैं? बढ़िया अमित जी, बस बढ़िया सुनील जी, अगर आप बढ़िया हो तो हम भी बढ़िया हैं भाई। बड़े भाई अगर बढ़िया रहेंगे तो छोटे अपने आप बढ़िया रहते हैं। त्रिवेदी जी क्लिप्स RF7 III का प्राइस का पूछा था, पेयर का। ओके 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 यार, बस समझ गया यार मैं। क्लिप्स में यार एक्चुअली चक्कर मैं आपको बताऊँ ना, क्लिप्स में मैं डील करता नहीं हूँ, तो वो पूछकर मैंने बताना था आपको, क्योंकि मेरे पास भी उसकी प्राइस लिस्ट नहीं है, तो इस वजह से मुझे भी डिस्ट्रीब्यूटर से पहले पूछना पड़ेगा, और मैं वैसे सेल नहीं करता क्लिप्स को, तो इस वजह से आपका वो रिप्लाई जो उनसे में भी हो सकता है कि वो आपको ना मिला हो, क्योंकि उसने भी अगर देखा होगा, स्वीटी ने भी, तो उसको भी पता है कि हम इसमें डील नहीं करते, तो इस वजह से लेट हो गया होगा। तो यार मैं एक बार दोबारा, आप मेरे को बस रिमाइंड करवा देना एक बार ही, और मैं फिर कल तो छुट्टी है तो परसों मैं एक बार डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके जो उसका प्राइस होगा वो आपको मैं बताऊंगा। वैसे आप एक बार उसका MRP देख लो, MRP कितना है, नेट पे आपको MRP पता लग जाएगा, तो MRP के ऊपर आई थिंक कुछ 10-15% के आसपास का लेस आपको मिलेगा। क्लिप्स मैं एक्चुअली भेजता नहीं हूँ यार, इस वजह से लेट हो गया ये जवाब आपको दे नहीं सका। अमित जी क्लिप्स रेफरेंस लगभग कितने तक आ जाएंगे यार? क्लिप्स के अमित जी मैं अभी जैसे कि बता रहा था ये त्रिवेदी जी को भी कि मैं सेल नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से वैसे जो उसका प्राइस है आई थिंक कुछ 70-75 में भी, मैं गलत हूँ तो मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं बेचा इनको। क्लिप्स में यार पहले मैं सेल करता था, बट मेरे पास में एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो आपको उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को भी ना वो ज़्यादा सही नहीं लगा यार क्लिप्स, इस वजह से। और मोस्टली क्या होता है ना कि मैं वही चीज़ें सेल करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे भी अच्छी लगती हैं, ताकि उनके बारे में मैं बिना रुकावट के किसी को, जो भी मुझसे कोई पूछ रहा है तो मैं उसको बता सकूँ। बेटा आप इधर आओगे थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो सॉरी,
आज फिर से मैसेज डाल दूंगा। हाँ भैया आप एक बार मैसेज दोबारा डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेट में डॉलर्स में दिखा रहा है यार, अगर वो मॉडल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ हुआ है तो मिलेगा भी नहीं वो आपको। अगर इंडियन करेंसी के अंदर वो नहीं शो कर रहा तो मे भी हो सकता है कि वो मॉडल इंडिया में इन्होंने लॉन्च ही ना किया हो, इंडियन रुपीज़ में नहीं बता रहा। तो यार वो फिर भैया लॉन्च ही नहीं कर रखा उसका मतलब, वहाँ पर यहाँ इंडिया के अंदर वो है नहीं। अगर इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ हुआ तो उसमें तो फिर मैं भी आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगा। गुरु जी भाई, अगर टीवी डॉल्बी एटमॉस नहीं सपोर्ट करता तो क्या होम थिएटर में वो सपोर्ट करेगा या नहीं? अगर वो टीवी में से टीवी अगर वो टीवी से कनेक्ट हो तो, या टीवी अगर आपका डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं करता है और अगर आप उस टाइम टीवी से आउट लेकर अपने होम थिएटर में दे रहे हो, तो अगर टीवी नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि वो सिग्नल ट्रांसफ़र भी नहीं होगा वहाँ पर आपका। बट ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको टीवी बदलने की ज़रूरत है। टीवी मत बदलो, आप एक फायर स्टिक खरीद लो 3-3.5 हज़ार की जो सी आती है, उसको आप अपने AVR पर या होम थिएटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर डायरेक्ट लगा लो। मगर आपका होम थिएटर जो है वो भी एटमॉस एनेबल होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली उस पर फायर स्टिक को लगा लो और क्या होती है ये डॉल्बी एटमॉस का आनंद प्राप्त करो। तेरे लिए त्रिवेदी जी, गुरुजी क्लिप्स का 1 15 इंच बूफर वेस्ट रहेगा या 2 12 इंच के रूम बड़ा है? यार त्रिवेदी जी देखो, अगर तो डेडिकेटेड सबवूफर लगाना है ना आपने, तो मेरा सजेशन जो है, आपकी मर्जी, आप जो भी आपको ठीक लगे तो, बट एक अगर सबवूफर ले रहे हो ना तो सबवूफर, असली सबवूफर लगाओ वहाँ पर। क्लिप्स का, पॉल कॉडियो का, इलेक का, सबका छोड़ दो। अगर एक डेडिकेटेड सबवूफर जाना है, आप जैसा कि आप मांग रहे हो 15 इंच कह रहे हो, तो सीधी सी बात है कि हाँ सीरियसली आपको एक डेडिकेटेड चाहिए सबवूफर। तो ऐसी कंडीशन में यार आप ना जाओ SVS की तरफ, रेल एकोस्टिक की तरफ, इनकी तरफ जाओ। बजट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर आप 15 इंच का एक या 2 12 इंच के लगाने की बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप 2 12 इंच के सबवूफर SVS के लगा लो, वो फार बेटर है क्लिप्स से। मंगेश काली जी, हाउ मच डिस्काउंट वी कैन गेट इट नाउ डेनन 4700 ओवर MRP? सर अभी MRP जो से हैं डेनन के और मारांट्स के सबके बढ़ चुके हैं। पीछे से जो सा नया माल आएगा वो बढ़कर आएगा, बट अभी जो सा स्टॉक पुराना पड़ा हुआ है वो सेम एज इट इज़ उसी रेट पे चल रहा है अभी, जितने भी दो चार पांच पीस जो से पड़े होंगे। तो उसके हिसाब से, अगर अभी के हिसाब से आपको डिस्काउंट की बात करता हूँ, तो तकरीबन तकरीबन आपको मैं 20% तक का लेस दे सकता हूँ। और बेस्ट प्राइस चाहिए होगा अगर आपको इससे, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरी टीम से बात करना, वो आपको और ज़्यादा अच्छे से इसका प्राइस बता देंगे। कमल खन्ना जी, गुड इवनिंग। अमित जी, गुड इवनिंग। सर कमल जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपका काम भी बस थोड़ा सा होने वाला है अभी थोड़े दिनों में, आई थिंक इमोटिवा A3 भी लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर, तो जैसे ही वो लॉन्च हो जाता है आपका चीज़ आपको मिल जाएगी। मैंने भी एक्चुअली उसे प्री बुकिंग में ही डाला हुआ है कंपनी के पास में भी, कि जैसे ही आए मेरे को मिल जाए बस वो। महिंद्रा जी, बेस्ट लाइव मिक्सर इन इंडिया। लाइव मिक्सर महिंद्रा जी को चाहिए है तो आप सर जी यामा का ले लो, तो काफ़ी बेटर है, वो बहुत अच्छे मिक्सर हैं यामा के। प्रो ऑडियो के अंदर में तो यामा काफ़ी अच्छा है वैसे, तो मिक्सर की लाइन में भी जहाँ तक मुझे पता है यार, मिक्सर जो है वो यामा के काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। और हम आगे बढ़ेंगे तो JTR का कैसा रहेगा? सर जी JTR यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट कर सकते हो, इतने पैसे आप लगा सकते हो, तो उससे अच्छी कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं यहाँ पर। बट JTR इंडिया में है नहीं, है अफसोस की बात है। अगर इंडिया में JTR होता तो मैं खुद, मेरा जो पर्सनल खुद का थिएटर है ना, उस पर भी मेरा सब सारा चीज़ें सब कुछ JTR का लगा होता। अमित जी, कुछ कुछ AVR में एटमोस सपोर्ट होता है बट HDMI 2.1 नहीं होता, तो फायर स्टिक लगा सकते हैं क्या? जिसके अंदर एटमॉस का फीचर अमित जी दे रखा होगा, उसमें आपकी फायर स्टिक से एटमॉस आपको मिलेगा ही मिलेगा। HDMI 2.1 जोन सी है वो हमारे 8K के लिए दी गई है, 2.0 जोन से है वो 4K और एटमॉस के लिए इनफ है। तो एटमॉस एनेबल AVR जो है, एक्सरिस जोन सी है 1600 और 1600 से ऊपर के जितने मॉडल हैं डेनन के अंदर, वो सारे जोन से हैं वो एटमॉस एंड DTS:X को सपोर्ट करते हैं।
मल्या जी 50K में क्या कोई होम थिएटर डॉल्बी डिजिटल एंड DTS:X सपोर्ट करता हो तो बताएं। सर होम थिएटर कोई भी 50K में आपको डॉल्बी एटमॉस या DTS:X एनेबल नहीं मिलेगा। 50K के अंदर इवन आप अगर खाली AVR भी लेते हो तो 1600 जोन से वो भी 50 से थोड़ा सा ऊपर ही जाता है। तो कंप्लीट सेटअप जोन से वो अंदाजन थोड़ा लगभग ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा वो 1.25 1.30 के आसपास जाकर बनता है आपका। तो जैसा कि अभी मेरे पास में यहाँ पर भी स्टॉक अब पड़ा है जो सा यहाँ कुछ सामान जो रखा हुआ है, ये एक्चुअली सारा भेजने वाला सामान है, अभी शिपिंग जाएगा इसका, तो मैं अभी एक बार दिखाऊंगा भी आपको सारा अभी है। तो इसमें भी हम अलग अलग पैकेज जो से हैं वो लगा कर चलते हैं कि नॉर्मल रेंज के अंदर अगर हम 1.25 1.30 की बजट की बात करते हैं तो वहाँ पर DT इसमें हमारा 1600 AVR हो गया, या फिर 1700 2700 AVR हो गया। और स्पीकर्स के अंदर में जो पैकेज है वो पोक ऑडियो है, या फिर इलेक्स सिनेमा 5 है, इसी की ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर हमारे। और साथ में OWM हो गया, या फिर अगर सीलिंग के अंदर स्पीकर लगाने हैं तो उसमें पैराडाइम 65R हो गया, ये सब जो उनसे हैं ये काम आते हैं हमारे यहाँ पर। मोहम्मद जकी, अमित भाई पोल्क ऑडियो 660W सब ऊपर पीक पावर कितनी है और सब ऊपर कैसा है? यार पीक पावर तो भाई मेरे को ऐसे नहीं पता, याद नहीं है मुझे कितनी है उसकी, वो आपको स्पेसिफिकेशन देखोगे एक बार आपको पता लग जाएगा। और सब ऊपर की बात करते हैं तो सब ऊपर ठीक है, अच्छा सब ऊपर है, बेस वेस सही है, बट जो मुझे लगता है थोड़ा सा बट बूमी है बस यार ये, मतलब कि जो एक यार एक इफेक्ट जो डेडिकेटेड सब ऊपर का आता है ना वो वाला नहीं आता इनमें, मज़ा नहीं है उसके अंदर। और इसके बाद में अभी मैं एक वीडियो आप लेकर आऊँगा अभी, उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि दो सबवूफर को कंपेयर करके देखेंगे। अभी मेरे पास में एक जैमो का 12 इंचीज़ का सबवूफर है सील्ड इंक्लोजर के अंदर, तो एक वो हो गया, और एक उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में। ये है हमारा Micro 300 SVS का, जो अभी रिसेंटली आया ही है, अभी नया ही आया है इंडिया में, तो अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा सेल हुआ भी नहीं होगा ये, और यूट्यूब पे तो इसकी कोई वीडियो आपको मिलेगी नहीं इंडिया के अंदर। तो इसको कंपेयर करेंगे हम जैमो के 650 से, तो देखेंगे क्या फ़र्क आता है। वो 12 इंचीज़ का है, ये 8 इंचीज़ ड्यूल के अंदर आता है, तो देखते हैं क्या होगा उसमें, किसमें क्या मिलता है, मज़ा आएगा मतलब कि उस वाली वीडियो में ना। और त्रेजी जी अमित भाई नया वीडियो किस पे है? नया वीडियो है सर जी इलेक्स सिनेमा 5 वर्सेस पॉल कोडियोज ब्लैकस्टोन TL1600 दोनों के कंपैरिजन के ऊपर। इसमें दोनों को चलाकर देखेंगे कि अभी मैंने स्टोरी भी डाल दी थी वैसे यूट्यूब के अंदर, तो उसमें देखेंगे कि दोनों में से क्या फ़र्क हमें मिलता है, दोनों को हम ट्राई करेंगे एक साथ में चलाकर देखेंगे। वो भी वीडियो जो सी अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं डाली है कि दोनों को कंपेयर करके दिखाया हो और सुनाया हो, मतलब दिखाने को तो मुंह से तो कोई भी कर देगा, बट दोनों को एक साथ चलाकर जो उनका देखना है वो अभी तक यूट्यूब पे नहीं डला हुआ है, तो ये भी हम करेंगे वहाँ पर। और वो वीडियो भी शायद मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बन चुकी है वीडियो वो, बट एडिट वेडिट करनी है अभी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी टाइम मिल नहीं रहा मुझे भी कुछ करने का। JTR का फाइनेंशियल फ्रेंचाइजी लेना है मेरे को, अगर वो इंडिया में आ जाए तो। त्रिवेदी जी आपसे पहले मैं रेडी बैठा हुआ हूँ, मैं तैयार हूँ लेने के लिए, एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा पहले उनको लेने के लिए, अगर वो यहाँ पर है फ्रेंचाइजी देने आ जाते हैं तो। गुरु जी गुरी जी सॉरी भाई, डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस में क्या फ़र्क होता है? यह डॉल्बी है ना भाई गुरु जी, जो डॉल्बी है ना ये एक ब्रांड है, एक कंपनी है, मेरा जैसे ऑडियो गुरु जी ये एक ब्रांड है, इसी तरीके से डॉल्बी जो उनसे एक ब्रांड है, एक एक लाइबॉटरी है डॉल्बी लाइबॉटरी, जो कि साउंड को बनाते हैं, मतलब कि मिक्सिंग करते हैं जो हमारे मूवीज़ वगैरह होती हैं, तो डॉल्बी तो उसको बोलते हैं, उनका नाम है डॉल्बी एटमॉस जो उनसे है, वो उनका एक फॉर्मेट है। और आप जो पूछना चाह रहे हो, आप ये पूछना चाह रहे हो कि नॉर्मल डॉल्बी डिजिटल साउंड और एटमॉस साउंड में क्या फ़र्क होता है, तो उसमें फ़र्क ये है कि जो एटमॉस होता है ना वो ओवर द हेड साउंड हमें देता है, यानी कि आपने अपने ऊपर अपने टॉप हेड के मतलब कि दीवार ऊपर छत पर आपने स्पीकर लगा दिए, तो जो मूवी आप देख रहे हो ना उसमें जो आवाज़ आएगी आपको वो ऊपर की आवाज़ ऊपर आएगी, जैसे कि बंदे नीचे खड़े हैं ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर के जो आवाज़ आ रही है वो आपको ऊपर वाले स्पीकर्स में से आएगी। तो इस तरीके से इसको डिकोड किया गया होता है, जिसे कि डॉल्बी एटमॉस बोला जाता है। भूपिंदर सिंह, म्यूजिक सिस्टम फॉर जिम फ्लोर ग्राउंड फ्लोर फ्लोर 30 40 फ्लोर। भूपिंदर जी हमारे पास में यार म्यूजिक सिस्टम जो उनसे होते हैं वो इस तरीके के नहीं होते जैसा कि यहाँ पर मोस्टली लोग लगाते हैं,
तो हमारे जो उनसे हैं वो हाईफाई, आप जो जिम देखोगे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है जो उनसे, वहाँ पर हमारे सिस्टम लगते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होती है यार वो तकरीबन तकरीबन कुछ 2.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये के आसपास जाकर बैठती है मिनिमम है, मतलब वो इससे नीचे नहीं बनता, इससे ऊपर तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं। अमित भाई मोनोलिथ के एम पे इंडिया में मिलते हैं क्या? मोनोलिथ नहीं है यार, मोनोलिथ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत से ब्रांड हैं ऐसे इंडिया के अंदर जो नहीं मिलते यार, अभी भरे पड़े हैं, मतलब ऐसे बहुत से ब्रांड हैं ऐसे यार जो उनसे नहीं मिलते यहाँ पर, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो उनसे यहाँ पर इंडिया में मिलती हैं, कुछ लोगों के पास होते हैं बट वो बाहर से इंपोर्ट वगैरह जो करवा सकता है जिसके सोर्सेज हैं वो ले आते हैं वहाँ से, बट ऑफिशियली तौर पर जो उनसे है वो यहाँ पर नहीं मिलता यार। समीर नायक जी हाय सर, हाउ मच डिस्काउंट ऑन SVS 12 इंचेस? यार SVS के ऊपर मैक्सिमम 10% तक का डिस्काउंट आप लगा के चलो, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता। और SVS एक ऐसी कंपनी है जो सी हमें प्रोडक्ट को बेचने से पहले पूरी डिटेल लेती है कस्टमर की, कि आप किसको दे रहे हो, मतलब कि उनकी जो पॉलिसी है ना वो ये है कि मान लो एक कस्टमर मेरे पास आया, मैंने कंपनी में बताया कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए, और रेडी स्टॉक नहीं देते वो, आपको वहाँ से मंगाना पड़ेगा, ये सीधा डायरेक्ट आता है यहाँ से, तो वो क्या है कि वो अगर किसी और डीलर ने भी वही इंक्वायरी वहाँ पर डाली है ना, तो वो उस डीलर को मना कर देंगे कि ना भाई तेरे से पहले ऑडियो गुरुजी की इंक्वायरी आ चुकी है मेरे पास में, तो अगर ये कस्टमर वही है वो सारी डिटेल लेंगे, तो ये जो उनकी डील है ये तेरी नहीं है, ये उनकी डील है, बीच में से हट जा, मतलब ऐसी कंपनी है ये, इतना सपोर्ट करती है एक डीलर को ये। और जो डिस्काउंट है वो 10% के आसपास आप लगा के चलिए। समीर नायक जी का हो गया था। शिशुपाल जी, गुरु जी जेपटी मिनी एंड्रॉयड बॉक्स नहीं मिल रहा है और एंड्रॉयड बॉक्स सजेस्ट करो अंडर 12,000। जेपटी क्यों नहीं मिल रहा? जेपटी मिल जाना चाहिए, इसके रेट जो से हैं इंक्रीज हो गए हैं, MRP बढ़ गया है इनका, बट मिल तो जाना चाहिए। और अगर आप नहीं मिल रहा तो MI वगैरह का आता है वो लगा सकते हो, या फिर आप वो उसका क्या नाम है इसका यार, इनविडिया का ले सकते हो, और भी कंपनी हैं कई, बट मैं ज़्यादा मेरे माइंड में भी आएगा ही नहीं एकदम से। तो बाकी जेपेटी भी मिल जाना चाहिए, ऐसी बात तो नहीं है यार। सैमी वेनिवाल हाय, हेलो सैमी जी। नरेश कहाँ गए? नीलेश जी, यामा 3072 इज वर्सेस पाइनियर, उससे कौन सा अच्छा है? सर यामा का 3070 बहुत अच्छा है पाइनियर के 076 से। 076 लोग ले लेते हैं कि एटमॉस है इसके अंदर, मगर वो सबसे बड़ी बेवकूफी है लेना। समी जी, मुझे 400 वाट RMS प्लस 400 वाट RMS के दो सबवूफर चाहिए हैं, मिनिमम पावर एम्पलीफायर कितने वाट का लेना चाहिए चलाने हैं? सर जी यही मिनिमम 400 वाट का, अगर आपके स्पीकर की पावर हैंडलिंग है तो तकरीबन आप इतने ही वाट का एम्पलीफायर लगा लो उस पर। बाकी ये जो आप पूछ रहे हो ये हमारी लाइन में नहीं आती चीज़ें, ये तो कमर्शियल उसमें आ जाएगा, तो आप किसी कमर्शियल काम करने वाले बंदे से पूछोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी सलाह देगा, इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा सही से आपको नहीं बता पाऊँगा। अमित जी, सर मेरे पास सोनी का 8000H TV है, ओके, एंड मैं मेरे TV पे HDMI 2.0 है और मेरा टीवीडी डॉल्बी एटमॉस प्लस विजन भी सपोर्ट करता है, तो क्या मेरे टीवी पे फायर स्टिक लगाने के बाद मुझे एटमॉस का आउटपुट मिलेगा? सर टीवी पर फायर स्टिक क्यों लगानी है आपने? आपने फायर स्टिक अपने डायरेक्टली आप अपने होम थिएटर पे इंस्टॉल करो ना उसको भाई, अगर आपके टीवी के अंदर में ऑलरेडी एटमॉस दिया, तो अगर टीवी आपका स्मार्ट टीवी है तो आपको फायर स्टिक लगाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर, वैसे ही मिल जाएगा। वो टीवी में जो एटमॉस का फीचर दिया होता है ना वो टीवी के लिए नहीं दिया होता, वो उसको आउट करने के लिए दिया होता है, कि आप जब उस पर होम थिएटर वगैरह कुछ लगाते हो या साउंड बार लगाते हो आप, तो वो एटमॉस की फाइल को ट्रांसफर कर सके। स्पीकर तो टीवी के अंदर जो उनसे लगे हुए हैं वो छोटे मोटे से, वो आपको एटमॉस की आवाज़ देनी नहीं शुरू कर देंगे। फोकल नहीं है इंडिया में? नहीं फोकल है सर जी, बिल्कुल है, फोकल के डीलर हैं हम, हमारे पास फोकल मिलता है। और आगे बढ़ेंगे, आपकी वीडियोस जब भी आती है बहुत अच्छा लगता है। अभी जी थैंक यू अभी जी। राजेंद्र जी नो रिप्लाई। राजेंद्र जी आपका मैसेज मे भी हो सकता है निकल गया हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा भेज दीजिएगा आप। त्रिवेदी जी, गुरु जी अमेज़ोन फायर स्टिक या इनविडिया कौन सा बेस्ट है? यार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, देखो इनविडिया का जो है ना वो एक प्रॉपर मीडिया प्लेयर है वो, तो वो अलग चीज़ है और ये जो उनसे ये अलग चीज़ है, इस पर हम कोई भी चीज़ लगा नहीं सकते,
जो हमारी फायर स्टिक है इसके अंदर, तो जो हमें दे रखे हैं वो लगा देते हैं, वही चला सकते हैं। बट अगर इनविडिया जो है उसके अंदर आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, अलग से लगा सकते हो, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे आप उसमें कर सकते हो। बट दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आप क्वालिटी की अगर बात करते हैं ना, तो फायर स्टिक से ज़्यादा अच्छी जो क्वालिटी है वो हमारा एक्सटर्नल जो मीडिया प्लेयर आता है, वो चाहे आप इनविडिया का लो, चाहे ज़ेपेटी का लो, चाहे पॉपकॉर्न और लो, या कोई भी आप ले रहे हो, तो वो उसकी ज़्यादा बेटर होती है वैसे। ओके सतीश कुमार जी, अमित जी कैसे हो? सतीश जी बहुत अच्छा, मैं आप बताइए आप कैसे हैं सर? डेनन 1600 ए वी यूज में क्या अगर है तो? नहीं सर, यूज के अंदर में एडवांस एनेबल कोई ए वी आर नहीं है यार, कोई भी नहीं है, और अभी आने वाले टाइम पर मिलेगा भी नहीं यार। अमित जी सर हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है। ओके थैंक यू सर। सर हेयर स्टाइल नहीं है, बस बाल कटवाए नहीं है मैंने, और आज हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट मतलब स्कूटी पर गया था मैं, तो वो हेलमेट पहना हुआ था, तो वो बाल ऑटोमेटिकली अपने ऐसे हो जाते हैं, खड़े से हो जाते हैं वैसे बस। तो आगे बढ़ेंगे, जावेद मंसूर जी, गुरु जी तुसी ग्रेट हो। थैंक यू वेरी मच भैया, आप भी ग्रेट हो जिन्होंने हमें ग्रेट बनाया है, आप मुझसे ज़्यादा ग्रेट हो। मैं ग्रेट हूँ तो आप ग्रेट मेकर हो, आप ग्रेट बनाते हो। नायक जी नमस्ते सर, नमस्ते नायक जी। मैं एक अच्छा क्वालिटी वाला साउंड बार लेना चाहता हूँ, यामा का लूँ या सोनी का? सर यामा का ले लो आप, 902 मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा, उसमें बेस वगैरह भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो काफ़ी अच्छी बेस है उसमें। और अगर बजट आपका अच्छा है बजट, तो यामा का 2700 अभी जो लॉन्च हुआ है वो भी आप ले सकते हो, उसमें 16 ड्राइवर्स दिए गए हैं साथ में, और सबवूफर जो है वो भी उसमें काफ़ी पावरफुल कर दिया गया है उसका। उसकी भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि पक्का नहीं कहूँगा, क्योंकि यामा मैं नहीं बेच रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ यामा प्रो करता हूँ, यामा होम ऑडियो में डील नहीं करता, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसकी प्रॉपर वीडियो एक लेकर आऊँ। मोहित जी कैसे हो भाई? मोहित भैया बहुत बढ़िया, भाईजान आप बताइए आप कैसे हैं? और आगे बढ़ते हुए अभिषेक चाबरा जी, डीजे बॉक्स कौन सा लेना चाहिए? सर डीजे बॉक्स होता क्या है पहले आप मेरे को ये बताओ, मुझे यही नहीं पता, पहले आप हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि करो, उसके बाद हम आपके करेंगे। पहले डीजे बॉक्स किसको कहते हैं ये बताइए। अमित जी सर मेरे पास कहाँ गए आपके मैसेज? हाँ अमित जी मेरे पास सर किधर गया यार? सर मेरे पास फ्रंट लेफ्ट एंड राइट 3-वे स्पीकर्स हैं, तो क्या मुझे एटमॉस का सेटअप अंडर 90 के पास मिलेगा? आपके पास में ये हैं तो यार, फ्रंट स्पीकर आपके पास है तो आपको सराउंड लेना पड़ेगा, एटमॉस के लिए 2 स्पीकर लेने पड़ेंगे, एक AVR लेना पड़ेगा 90, शायद हो सकता है वो जब कोटेशन बनाई जाएगी यार तब क्लियर कर पाऊँगा इस बारे में, एकदम से ऐसे नहीं पाऊँगा, बट 90 के आसपास में मे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हमारे को नहीं, हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर एक पैकेज और ले लेते हैं 5.1 चैनल का, तो आपके 2 स्पीकर जो उनसे पैकेज वाले होंगे वही आपके एटमॉस में काम आ जाएंगे, साथ में आपको एक सबवूफर भी मिल जाएगा, तो अंदाजन लगा के चलो 40 और 55, हाँ तो 90-95 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा यार। और उमेश जी मेरा बजट, मेरे पास डेनन S750 AVR लिया है, लेकिन मेरे पास लोकल के 8 ohm 7 speaker हैं, 12 inch एक्टिव सबवूफर है, लेकिन साउंड क्वालिटी बराबर नहीं आ रही है। यार लोकल चीज़ में देखो आपको सर फ़र्क तो मिलेगा ही मिलेगा यार, एक कंपनी इतना पैसा लगा के रिसर्च करती है, पहले कई सालों की मेहनत होती है उस पर, उसके बाद में वो उसको मार्केट के अंदर उतारते हैं कि हाँ अब ये जो सी चीज़ हमने बनाई है ये क्लाइंट को दी जा सकती है, तो लोकल और उसमें फ़र्क तो आएगा यार, बिल्कुल आएगा। तो आप अगर एक क्या यूज़ कर रहे हो, आप 750 यूज़ कर रहे हो ना, हाँ तो आप इसके साथ में यार अच्छे स्पीकर्स लगाओ, आप ढंग से प्रॉपरली यूज़ करो, मर्सिडीज़ खरीदने के बाद में उसमें टायर आप मारुति के थोड़ी डालोगे, उसमें टायर्स भी जो उनसे हैं वो भी मर्सिडीज़ के ही डलेंगे यार। समीर नायक जी SVS 12 इंच का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट? सर 12 इंच में मॉडल अलग अलग आते हैं, तो अंदाजन 10% तक का डिस्काउंट आप लगा के चले। त्रिवेदी जी गुरु जी 13.2 चैनल का AVR नहीं है, 9 चैनल का AVR है, तो एम्प कौन सा लेना चाहिए 13 कंप्लीट करने के लिए? 2 चैनल का एम्प आप इस पे लगा लो यार, अभी एम्प भी महंगे ही हैं, सारे सस्ता तो कोई नहीं है। 2 चैनल में अब डिपेंड करता है वाटेज आपको कितनी चाहिए, तो आप इमोटिवा का लगा सकते हो यार, इमोटिवा की बहुत अच्छी सेल है इस टाइम, मेरे पास में तकरीबन महीने में मैं
तीन चार पीस तो मेरे ये कम से कम बिक ही जाते हैं यार ये तो। और है रिस्पांस भी अच्छा है, इमोटिवा का आ रहा है, और प्राइस भी जो उनसे है वो भी काफ़ी रीजनेबल है। नितिन जी हेलो, गुरु जी हेलो। सर मेरे पास पूछ के लॉजिटेक 906 मैंने परचेज कर लिया है, और सर मुझे ये पूछना है कि ऑक्स केबल में अच्छी ऑडियो आएगी या ऑप्टिकल में? यार ऑप्टिकल के अंदर डिजिटल आता है, जो 5.1 चैनल आप अगर ट्रांसफ़र कर रहे हो अपना, तो उसके लिए आपको ऑप्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर आप एक ऑक्स वाली केबल लगा रहे हो तो वहाँ पर आपको 2 चैनल आउटपुट मिलती है। आउटपुट को तो वो कन्वर्ट करके 5 पॉइंट में कर देगा, बट जो नेचुरल आवाज़ जो उनसी आ रही है वो 2 चैनल आएगी। अगर आप गाने सुन रहे हो या कुछ कर रहे हो तब तो आपके वो वाली ऑक्स वाली केबल है जो, वो भी यूज़ कर सकते हो अब। बट अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो या ऐसा कुछ करना है आपने, तो वहाँ पर आपको ऑप्टिकल यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अमित जी सर पैसिव सब ऊपर को एक्टिव बना सकते हैं कुछ जुगाड़ लगा के? हाँ बना सकते हैं सर जी, बिल्कुल बना सकते हैं। एक एम्पलीफायर लगाओ अपना, एम्पलीफायर में अगर इनबिल्ट क्रॉसओवर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आपको अलग से एक क्रॉसओवर साथ में वहाँ पर लगाना पड़ेगा, और वो एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, उससे अच्छा यही होगा कि एक एक्टिव सब ऊपर ख़रीद लो। और उसके बाद जाएंगे हम राजल राज जी, लड़केश यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली फ्रॉम बेस लेवल, आई एम गेटिंग नॉलेज फर्स्ट देन आई विल कॉन्टैक्ट फॉर माई पर्सनल यूनिट। ओके समझा नहीं मगर मैं क्या कह रहा है आपने यार, ये यू आर गिविंग इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली फॉर बेस लेवल, आई एम गेटिंग नॉलेज। ठीक है जी बाबू जी, एरेंडल स्पीकर्स व्यू सर यहाँ पर इनको बेचते ही नहीं है हम तो, यार क्या रिव्यू करेंगे सर चीज़ का? देखेंगे कभी फ्यूचर में, कंपनी से कभी बात हुई अगर उनका कोई मेल वगैरह आता है या वो संपर्क करते हैं हमसे। प्रवीर कुमार जी हाय गुरु जी हाय, मेरे को सवाल नहीं है पर फिर भी आपको सुनता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी मिलती है। थैंक यू वेरी मच प्रदीप कुमार जी, ये होती है ढंग के बंदे की निशानी। अगर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हवाई जहाज़ हर बंदा खरीद नहीं सकता, मगर यार हवाई जहाज़ की टिकट तो खरीद सकते हैं ना। तो इसी तरीके से चाहे आपने सवाल पूछना है, नहीं पूछना, सवाल आपने नहीं पूछना तो कोई दिक्कत थोड़ी, यहाँ पे और लोग सवाल पूछ रहे हैं तो वो भी तो आप सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन फ्यूचर आपको उसी सवाल का जवाब चाहिए हो, तो आप ऑलरेडी पहले ही ये लाइव जब सुन रहे हो तो वहां पर आपको पता लग गया होगा उसके बारे में। जितेंद्र जी इज देयर एनी रिसीवर टू यूज सोनी स्पीकर्स ऑफ 3 ओम? नहीं सर, 3 ओम्स के स्पीकर के लिए कोई AVR नहीं आता, उसके लिए आपको वही CD प्लेयर जो उनसे आते हैं इनके सोनी वगैरह के, वही आपको लेना पड़ेगा। कहाँ चले गए अब मेरा, उमेश जी मुझे कौन सा स्पीकर और सब वूफर लेना चाहिए? अब उमेश जी ऐसे ही मुझे क्या पता लगेगा आपने क्या लेना है। अमित जी अगर सर अगर मैं फ्रंट लेफ्ट एंड राइट के ऊपर अराउंड 7 फीट के ऊपर अगर मैं एटमॉस के 2 स्पीकर्स प्लेस करता हूँ अगले लगा के, तो क्या यार प्लेसमेंट जोन सी है 7 फीट के ऊपर? यार देखो सबसे बढ़िया तो है कि आप स्पीकर जो है अपना फिजिकली मतलब कि अपने ऊपर ही लगाओ उसको, तो ज़्यादा अच्छा है, सबसे बढ़िया है। अब ये जो ऊपर हाइट स्पीकर लगाने का होता है ना, जो नीचे की तरफ आवाज़ को फेंकते हैं, वो काम करते हैं मगर मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि जितनों के भी अभी तक लगाए हैं ना, तो ना उनको भी कोई संतुष्टि नहीं मिली ज़्यादा लगवा कर, और ना ही मुझे लगा कर मिली है। तो काफ़ी डिपेंड करता है यार आपके कमरे में क्या रखा हुआ है, कमरा फर्नीचर कैसा है, आपका फर्श कैसा है, आपकी छत कैसी है, 3600 चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाती जो एक्चुअल में होनी चाहिए। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप स्पीकर सीधा ही छत पर अगर आप लगा रहे हो तो वो बेटर है, सबसे बेटर बात है यार। हो गया था अभी कम,
तो जी आई शाबाश। कुणाल जैन जी, 72-80 में एडमोस सेटअप मिल जाएगा आपके वीडियो में देखे 2700 के बारे में। नहीं सर, 70-80,000 में एटमॉस का पूरा सेटअप नहीं मिलेगा, 70-80 हज़ार के आसपास का जो सा आप बात कर रहे हो वो 2700 का कॉस्ट है। खाली 2700 AVR जो सा है वो 70-75 के आसपास पड़ रहा है। पूरा जो पैकेज है वो तकरीबन 1,25,000 या 1,30,000 के आसपास पड़ेगा आपको। उमेश जी, सर मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। उमेश जी, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा, वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिएगा, मेरी टीम आपसे बात करेगी और आपको जो भी बात कर दी है वो उनसे कर लीजिएगा और वो आपको बता देंगे सब कुछ ही। अगर आपको फिर भी मुझसे बात करनी होगी तो उसके लिए हमारी सर्विस अलग होती है, तो उसके चार्जेस होते हैं, वो आपको वहाँ से पता लग जाएंगे कि कैसे करना है आपने। बट आपको मुझसे डायरेक्टली बात करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मेरी टीम जो उनसी है बहुत अच्छी टीम है मेरी, वो आपके हर सवाल का जवाब दे देगी। जितेंद्र जी, इज जेवीएल लाइन बड़ बड़ तू बाय। अब जितेंद्र जी, ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप अगर एक साउंड बार लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, कि आपके वहाँ होम थिएटर नहीं लग सकता, या कि मतलब वैसे अगर आपने साउंड बार ही लेना है तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो 9.1 अच्छी साउंड बार है। राहुल जी, सर हाउ इज़ द डेनन 250 BT विद पॉल क्वालिटी 1600? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत अच्छी पैकेज है ये और रीजनेबल प्राइस है इन दोनों का, एंट्री लेवल की चीज़ें हैं दोनों, बट इस रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको इसमें मिलती है। त्रिवेदी जी, गुरु जी प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद लैंप बदलना पड़ता है क्या? बिल्कुल सर, लैंप को चेंज करना पड़ता है, वो लैंप अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा और उसे रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। सुखेला जी, गुरु जी विच इज़ बेस्ट 5.1 चैनल डॉल्बी एटमोस सपोर्ट होम थिएटर? 5.1 के अंदर में कोई भी डॉल्बी एटमॉस का होम थिएटर नहीं आता है, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन जो सी है वो 7 चैनल की चाहिए होती है, तभी वो 7.1.2 में कन्वर्ट होता है। और आपने क्या पूछा है? बस यही पूछा है आपने, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो ही तकरीबन, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, कि 125-130 के आसपास जाकर बैठती है। अमित जी, 4K OLED TV या प्रोजेक्टर 4K बेस्ट है? सर प्रोजेक्टर और LED या OLED आप जो भी लगाना चाहते हो, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की इंस्टॉलेशन अलग अलग है। जहाँ पर प्रोजेक्टर लगना है वहाँ पर TV नहीं लग सकता, जहाँ पर TV का काम है वहाँ पर आप प्रोजेक्टर नहीं लगा सकते हो, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे अब सारा दिन आप प्रोजेक्टर नहीं लगा कर रख सकते वहाँ पर, अगर आपने मान लो आपके घर में किसी ने सीरियल देखना है, कुछ देखना है, तो वो प्रोजेक्टर ऑन कर नहीं रखेगा हर टाइम। इतनी बड़ी डिस्प्ले जो सी होती है वो सिर्फ हमें मूवीज़ के टाइम पर अच्छी लगती है, मगर सारा दिन उसको जब देखते रहोगे ना, डेले बाहर आ जाएंगे देखते देखते आपके। डेले से मेरा मतलब ये वाले डेले हैं। और AF50 शिवम, सर विच इज़ बेस्ट फॉर होम एम्पलीफायर वर्सेस होम थिएटर? सर ये सवाल समझा नहीं मैं, होम होम एम्पलीफायर वर्सेस होम थिएटर से क्या तात्पर्य है? सचिन DTH, हेलो अमित सर, हेलो हेलो सचिन जी। राहुल जी, थैंक यू गुरु जी, योर आंसर्ड माई क्वेश्चन इन वन अटेम्प्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश्वजीत जी, अमित भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा विश्वजीत जी, आप बताइए आप कैसे हैं भाई। लोगों, अगर अच्छा लग रहा हो आपको हमारी बकवास सुनकर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ऑल को सिलेक्ट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, बस इतनी सी बात है, बस कर दो जो करना है इनमें से। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं सुमन जी की तरफ। 50-70,000 के अंदर अच्छा प्रोजेक्टर क्या होगा, इसमें पूरा सिनेमा हॉल जैसा फील आए? सर सिनेमा हॉल का फील अगर आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर लगाने से नहीं आता। प्रोजेक्टर का काम सिर्फ डिस्प्ले को दिखाने का है, बाकी का जो इफेक्ट है वो हमारा सारा होम थिएटर ने देना होता है, तो आपको होम थिएटर के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। प्रोजेक्टर चाहिए आप प्रोजेक्टर की जगह थोड़ा TV भी लगा लोगे तब भी चल जाएगा, बट साउंड सिस्टम के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ अगर करोगे तो सर्व सत्यानाश हो जाएगा।
बाकी 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार के बीच में अपने प्रोजेक्टर लेना है तो बैंक्यू का 585 है, और 70 का कह रहे हो ना, हाँ तो इप्सन में आप जा सकते हो, 750 की तरफ जा सकते हो, और भी कई सारे हैं, मेरे को एकदम से तो नाम याद आएंगे नहीं सबके। हरपिंदर सिंह जी, हाय सर, हेलो हरपिंदर जी, क्या हाल चाल हैं। अमित मैसे जी, सर क्लिप्स रेफरेंस इलेक्सिनिमा, यार इसके बीच में फ़र्क, अब मैं अपना ओपिनियन अगर बताऊंगा आपको तो मुझे क्लिप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प लगता है, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता। और आप ये भी कह सकते हो, कई लोग कहेंगे कि मैं बेचता नहीं हूँ इसलिए मैं क्लिप्स को सही नहीं कह रहा, तो मे भी अच्छा यही रहेगा कि आप दोनों को सुन लो और अपने हिसाब से आप डिसीजन लो। चिराग जी, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑफ बेस्ट प्राइस ऑफ ऑल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। सर प्राइस बेस्ट जोन सा होता है ना वो यूट्यूब के ऊपर, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना तो बहुत से जो डीलर होते हैं ना हमारे, उनकी ना ऐसे ऐसे होती है फिर, तो इसलिए आपको यहाँ पर बताना सही नहीं रहेगा। आप इंस्टाग्राम पर मेरी टीम से बात कर लीजिएगा, आपको बेस्ट प्राइस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर बात कीजिएगा, किसी कमेंट पे मत मारिएगा नहीं तो वहाँ पर फिर आपको रेट नहीं मिलेगा। श्यामलाल कुमार दास, व्हाट इज़ JDR। सर JDR कंपनी है जो कि लाउड स्पीकर्स बनाती है, सब वूफर बनाती है और बाकी के सब स्पीकर्स बनाती है, बट इंडिया के अंदर नहीं है। JDR जो है, JD नहीं है वैसे, JT है, वो JTR है, तो कंपनी है यार, एक ब्रांड है एक बस। अरविंदर जी, यू डोंट टेल मी योर सीलिंग स्पीकर। सीलिंग स्पीकर सर, कौन से सीलिंग स्पीकर की बात कर रही हैं आप? अगर आपने कमेंट किया था तो हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो, तो सीलिंग स्पीकर प्लीज़ बता दीजिए कौन से वाले आपको चाहिए। अब भाई एक दो दिन में अगर आपने बात करी होगी तो मैं शायद कह सकता हूँ, क्योंकि एक दो दिन से मेरा ध्यान बिल्कुल भी वो नहीं है, और फ़ोन पे भी अगर आपने बात करी है व्हाट्सएप वगैरह में की होगी तो वो जवाब जो उनसे वो मेरी तरफ से नहीं जा रहे हैं आपको, वो स्वीटी जी की तरफ से जाते हैं। और सोहेल खान जी, सोनी के जो 5.1 DVD होम थिएटर आते हैं वो डिसकंटिन्यूड हो गए हैं क्या? सभी नहीं हुए, जो DVD वाले आते हैं वो सारे बंद हो चुके हैं, अभी जो उनसे हैं वो ब्लूरे के अंदर आ रहे हैं सारे। शिवम जी, हमें एम्पलीफायर लेना चाहिए या होम थिएटर? सर होम थिएटर जो आप जिसको होम थिएटर कह रहे हो वो मल्टीमीडिया स्पीकर्स होता है, और एक ओरिजिनल असली जो होम थिएटर होता है ना वो एक होम थिएटर स्पीकर पैकेज हमें अलग से लेना होता है, जैसे कि पोल्क ऑडियो का TL 1600 हो गया। एम्पलीफायर जो होता है उसे हम मोस्टली AVR बोलते हैं, वैसे ऑडियो वीडियो रिसीवर, तो उसको अलग से परचेज करना होता है जो कि हमारे स्पीकर एंड सबवूफर्स को ड्राइव करता है, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक कंप्लीट होम थिएटर तैयार होता है हमारा। सुमन जी, एटमॉस में लैग, सुमन जी ये समझा नहीं है, एटमॉस में लगाऊंगा वो प्लान में है, समझा नहीं मैं आपकी बात को। कमल खन्ना जी, अमित जी 62 बंदे लाइव देख रहे हैं पर सिर्फ 23 बंदों के लाइक किया है, कृपया ध्यान दिलवाया जाए। सर जिन्होंने करना है ना, वैसे तो ओरिजिनल एक असलियत जो सी होती है कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पर हम तो हैं ही बेशरम जो उनसे कह कह के करवाते हैं, तो भाई जिसने करना है कर दो लाइक, तुम्हारा कुछ नहीं जाना उसमें, पैसे थोड़ी लगने हैं, हमें थोड़ा सा हौसला मिल जाता है बस। और जितेंद्र जी कह रहे हैं रूम साइज़ जस्ट ये वाला, हाँ तो ठीक है सर, रूम साइज़ के हिसाब से आप 9.1 JBL ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चलेगी आपकी, मज़ा आएगा। एक मिनट, तो जी हम कहाँ थे? नितिन जी, मेरे TV में सर्विस और हेडफोन जैक है तो दोनों में क्या फ़र्क है? सर्विस और हेडफोन जैक है का क्या मतलब हुआ भाई? हेडफोन जैक तो ठीक है, ये सर्विस का क्या मतलब है?
सचिन DTH, अमित सर आप बकवास नहीं करते, जो सही है वही बोलते हो। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मगर हर एक को वो ज़रूरी नहीं ना कि बात सही लगे, कईयों को तो बकवास ही लगती है। सॉरी फॉर लेट। अजीत जी आप हमारे दिल में रहते हो, अजीत भैया आप कभी लेट नहीं हो सकते, आप हमेशा हमारे साथ होते हो। कुछ बंदे मैं वैसे शेयर करना चाहूँगा आपसे, कुछ बंदे हमारे चैनल पर ऐसे हैं जो आई थिंक स्टार्टिंग से हैं, मतलब जब मैंने शायद पहले स्टार्टिंग ही करी थी तब तो मैं शक्ल भी नहीं आती थी मेरी, मैं ऐसे ही बस फ़ोन हाथ में पकड़ के ऐसे ऐसे बनाता था। तो कुछ बंदे जो उनसे हैं वो तब से हैं यहाँ पर, उनमें से हमारे अजीत जी भी हैं और एक हमारे कनकेश जी हैं, वो आई थिंक पता नहीं अभी हैं यहाँ पर या नहीं है, मुझे पता नहीं ऐसा, वो भी मेरे साथ हैं, शुरू से साथ हैं वो उन, और फ़ोन पर भी हमारी बातें होती रहती हैं इनसे, अजीत जी से और कनकेश जी से। हमारे एक शर्मा जी हैं मुंबई से, तो उन्होंने भी बड़ी हेल्प करी है मेरी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, उन्होंने भी बड़ी सारे एडवाइस भी दिए थे मेरे को कि आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, काफ़ी कुछ बताया था वो हैं। और एक चैनल का नाम आई थिंक आपको पता होगा, आपने में से बहुत से लोगों को पता होगा, हालांकि कोई भी यूट्यूबर किसी और चैनल के बारे में कभी बोलता नहीं है, अच्छा नहीं बोलता, मतलब बुरा तो सारे बोल देते हैं। एक व्हाट आई थिंक के नाम से एक चैनल है, उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ गाइड किया जब मैंने चैनल बनाया था कि आप ऐसा करो, ये इस टाइप से वीडियोस बनाओ, आप ऐसे एडिट करो, ये करो, उन्होंने भी काफ़ी सी ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को काफ़ी बताई हैं, तो वो भी काफ़ी टाइम से हैं, उनसे भी मेरी बात अच्छी होती रहती है। एक शायद आपने एक बाहर का, इंडिया से बाहर का चैनल है, आप में से शायद कई लोग देख रहे हो उसको, टेक्नो डैड के नाम से वो चैनल है, उनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है, उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ बताया। और एक आपने देखा होगा स्टीवन जी का चैनल है, स्टीव स्टीव का सॉरी स्टीव उनका नाम है, PS ऑडियो के नाम से जो जिनकी कंपनी है, यार उनका चैनल का नाम क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा, उनसे मेरी काफ़ी बात होती रहती है, अभी भी होती है सबसे। और एक यूथ मैन है, इंग्लिश में है वो चैनल भी, इंडिया से बाहर का चैनल है, उन्होंने भी मुझे बहुत सा सपोर्ट दिया, कई चीज़ें बताई उन्होंने मेरे को, मतलब कुछ ऐसे ऐसे बंदे जो उनसे है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करी और अभी तक स्टिल जुड़े हुए हैं, उनमें से काफ़ी बंदे ऐसे हैं, तो उनका तो धन्यवाद है ही है देखिए सबसे पहले, और बाकी आप सबका भी साथ में है जो आप ने मुझे, जो भी है अभी जो भी बैठा हूँ मैं यहाँ पर, तो आपकी थोड़ी सी जो आपकी मेहनत लगी है उसमें भी उसी की वजह से यहाँ पर हूँ। तो जिस हिसाब से चैनल की ग्रोथ है वो शायद मैं अभी तक तो शायद बंद कर चुका होता इसे, क्योंकि यहाँ से ना कोई अभी अर्निंग मिलती है मुझे, ना कोई कुछ मिलती है, टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो मे भी हो सकता था मैं बंद कर गया होता अगर आप सब लोग नहीं होते, जितने भी अभी आप सुन रहे हो वो तो हैं ही हैं इसमें, तो आपका ही सपोर्ट है जिसके कारण अभी तक मैं इस चैनल को चला रहा हूँ, यार सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। तो चलो इमोशनल अत्याचार को बंद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। गुरु जी 4K प्रोजेक्टर की एंट्री प्राइस क्या, JVC, यार JVC के प्रोजेक्टर तो भाई महंगे हैं काफ़ी, बाकी 4K के अंदर में दो तरह का प्रोजेक्टर आता है देखो, 4K के अंदर एक होता है पिक्सल शिफ्टिंग का, वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के बीच बीच में, बट अगर आपको चाहिए है एक्चुअल 4K प्रोजेक्टर तो वो आपको मिलता है 3.5-4 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है उसकी, जिसमें कि JVC आता है, सोनी का आता है और काफ़ी और कंपनीज हैं, सभी का लगभग लगभग आता है, बट मोस्टली जो उनसे ज़्यादा सेल होते हैं प्रोजेक्टर वो सोनी के और JVC के जो उनसे हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं। सोनी का मैंने अभी पीछे लगाया था तो वो 4,85,000 रुपये का उसका बिलिंग आया था 4K प्रोजेक्टर का, और उसका जो साइज़ था प्रोजेक्टर का वो तकरीबन आप लगा लो एक एम्पलीफायर से बड़ा साइज़ उसका था, इतना तो वो चौड़ा था कम से कम, और इतनी इतनी डेप्थ थी उसकी, इतनी मतलब एक AVR लगा लो आपकी, AVR जितना वो बड़ा था, और वेट भी उसका कुछ 25-30 किलो वेट था उस प्रोजेक्टर का, वो असली 4K प्रोजेक्टर होते हैं जो हमसे। पंकज जी सर 18-11 रूम के लिए कौन सा प्रीमियम होम थिएटर अच्छा रहेगा सजेस्ट कीजिए। 11x18 के लिए यार बजट कितना है आपका उस पर डिपेंड करता है। ओमकार जी यामा RXV AV 440 कौन से स्पीकर्स करना चाहिए Under 50 है। सर Under 50 K के अंदर में दो तीन ऑप्शन ही हैं, जिसमें से जो उनसे मोस्ट सेलिंग पैकेजेस हैं वो हैं ELAC Cinema 5 या फिर पॉल कॉडियो TL1600, तो इन दोनों में से आप चूज कर सकते हो। अमित अमित जी सॉरी सर बहुत बार आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि जुगाड़ कर सकते हो क्या सोनी डी।
नहीं, किस चीज़ का जुगाड़ सर? अमित जी, किस चीज़ का जुगाड़ करना है? जुगाड़ करा सकते हो किसका? ये है क्या? रिहाना कुमार जी, हाय। रिहाना जी हाय, कैसे हैं सर? बहुत टाइम बाद आपका मैसेज आ जाया है। और मैसेज तो कहाँ चले गए? सुल्तान जी, रूम में सामान होने से बेस में फ़र्क आ सकता है क्या सर? मेरे एम्प ऑनक्यो NR 16 सब ऊपर JBL 8 इंच का है, बेस नहीं आता यार। ये सुल्तान जी, बेस अगर नहीं आपको मिल रहा है तो आप अपने सब ऊपर की प्लेसमेंट को चेंज करके देखो। आपका जो सब ऊपर है वो सही जगह पर नहीं रखा हुआ आपने, इस वजह से आपको बेस नहीं मिल रहा है। तो आप उसको बदलो, उसको कभी दूसरी साइड रख के देखो, या फिर उसका जो मुंह है उसको थोड़ा इधर उधर, या जैसे आपने सीधा रखा हुआ है तो उसको थोड़ा ऐसे रख लो, इस तरफ कर दो। मतलब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा चेंजेस कर करके वहाँ पे, कि कहाँ पर आपको ज़्यादा इफेक्ट अच्छा मिलता है, आप उसको वहीं पर प्लेसमेंट दे दो अपने सब ऊपर को। मानस नायक जी, नमस्ते सर, नमस्ते। डॉल्बी एटमॉस वर्सेस DTS:X किसका साउंड आउटपुट अच्छा है? सर दोनों का अच्छा होता है, दोनों जो से हैं ऑडियो फॉर्मेट है, कोई डिवाइसेस नहीं है इसलिए इनको कंपेयर नहीं कर सकते हम। दोनों फॉर्मेट जो से हैं वो अच्छे होते हैं। और अमित जी सर, आपके लाइफ में आपने सबसे एक्सपेंसिव स्पीकर कौन से सुने हैं एंड उसका प्राइस क्या था? सबसे एक्सपेंसिव स्पीकर सर मैंने सुने थे मुंबई के अंदर, सुने मतलब कि बता रहा हूँ, मैंने बेचे या खरीदे नहीं, सुने सिर्फ, वो थे फोकल के, उसका मॉडल मुझे याद नहीं है क्या था, एक तो वो थे और एक जोन से हैं यार, उसका नंबर क्या था यार, यू से नाम है उसका, ओपोटिया ओपोटोन पता नहीं ऐसे कुछ करके नाम है, वो थे वो, और एक उनसे महंगे जो उनसे, हाँ यार बड़ी अच्छी चीज़ आपने मेरे को याद दिला दिया, एक हमारे अंकल हैं पूरी जी दिल्ली के अंदर ही, उन्होंने अपना एक सेटअप बना रखा है रूम के अंदर, मैकिंटॉश का सिस्टम है उनका पूरा, और जो स्पीकर्स हैं वो भी मैकिंटॉश के हैं। उनके जो स्पीकर्स की सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट है ना जो उनसी, वो मेरे ख्याल से 9 करोड़ रुपये के, 9 करोड़ रुपये के आसपास के उनके स्पीकर्स हैं सिर्फ। एक स्पीकर्स के अंदर 136 मिड रेंज लगे हुए हैं, 136 ट्विटर लगे हुए हैं, और 8 मिड बास ड्राइवर लगे हुए हैं, और 18 इंचीज के 3 सबवूफर लगे हुए हैं एक स्पीकर के अंदर। और एक स्पीकर की जो हाइट है वो उनके ज़मीन से लेके छत तक आती है पूरी, और स्पीकर्स की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 3 फीट या 4 फीट के आसपास का एक स्पीकर की चौड़ाई है। फिर उसके साथ में एक स्पीकर और लगता है एक ही तरफ, मतलब वो 2 स्पीकर होते हैं एक साइड पे, उसमें सिर्फ और सिर्फ सबवूफर लगे होते हैं। वो सबसे एक्सपेंसिव स्पीकर्स हैं जो उनसे मैंने अपनी लाइफ के अंदर सुने हैं, 9 करोड़ रुपए के, और जो उनका पूरा सेटअप बना हुआ है वो तकरीबन 23 या 24 करोड़ 25 करोड़ रुपए के आसपास का, सिर्फ और सिर्फ उनका पूरा म्यूजिक सिस्टम जो उनसे है वो लगा हुआ है उनका वहाँ पर यार। और मैं हिल गया हूँ देख के, जब मैं गया था उनके पास में देखने के लिए, उन्होंने बुलाया था मुझे कि आप आइए हमारे यहाँ, और बहुत अच्छे इंसान हैं वो, बहुत बढ़िया बंदे हैं वो, बुजुर्ग हैं, 60-65 साल उम्र होगी उनकी, बहुत अच्छे आदमी हैं। मगर और आगे चलते हैं तो शिवम जी सर, मुझे एकदम ज़बरदस्त होम थिएटर चाहिए जिसमें म्यूज़िक और मूवीज़ दोनों का एक्सपीरियंस ज़बरदस्त आए, बजट 70-80 के। शिवम जी, 70-80 के आसपास अगर आप जा रहे हो तो 5.1 में आपको 250 BT या फिर 550 BT AVR सजेस्ट कर सकता हूँ मैं, और स्पीकर्स के अंदर रिलैक्स सिनेमा 5 या पोल कार्डियो TL 1600, इन दोनों में से कर सकते हो। इस बजट के अंदर इससे ज़्यादा अच्छा, इन दोनों से ज़्यादा अच्छा कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा। तंपी जी, विच स्पीकर्स पैकेज इज सुटेबल फॉर DN2700 पोल कार्डियो फ्यूजन टी सीरीज और JBL सीरीज? सर ये दोनों ही जो उनसे, चलो खैर आपने जो पूछा है उसी का जवाब देते हैं। A70 जो उनसे हैं वो टी सीरीज से ज़्यादा बेटर हैं। और दुर्गेश जी सर, DN250 BT के साथ पोल कार्डियो का TL 1600, सॉरी हाँ दुर्गेश जी लगा सकते हो आप, बट यहाँ सजेशन मैं आपको अगर दूं तो इनकी जो वॉइस क्वालिटी है
उससे ज़्यादा अच्छा अगर आप पॉलकॉडियो के TL-1600 सेटेलाइट्स ले लेते हो ना, तो उनकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है इससे। अगर आपको सिर्फ दिखावे पे जाना है कि टावर स्पीकर है, ये है, बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी है, तो आप इसको ले सकते हो। अगर एक साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको मेरे हिसाब से वो ले लेने चाहिए, ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए। रवि सिंह जी, गुरु जी सैमसंग Q950 साउंड बार लेनी चाहता चाहिए या नहीं? बिल्कुल लीजिए सर, बिल्कुल ले सकते हो, अच्छी साउंड बार है, लुक बहुत अच्छी है इसकी, साउंड क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये यूथमैन को मैं भी देखता हूँ और कितनी बार बात भी की है, बहुत अच्छा बंदा है। बिल्कुल बिल्कुल त्रिवेदी जी, बहुत बढ़िया बंदे यार। बाहर के जितने बंदे हैं ना, यूट्यूबर्स हैं जो, से वो सारे बहुत सही हैं। इंडिया में एक बंदा जो आपको मैंने बताया, व्हाट आई थिंक वाला, वो एक ऐसा बंदा है जिसने बड़े कि दूसरे यूट्यूबर की हेल्प करी है, या फिर उसको कुछ समझाया हो या कुछ किया हो। नहीं तो मोस्टली कई यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ, उनसे बात हुई है, वो सब सिर्फ है ना अपना वो करने में राजी है, आपकी हेल्प कोई भी करके राजी नहीं होगा। बट बाहर के जो से लोग हैं ना, वो ऐसे नहीं है, वो खुद मिलकर काम करते हैं सारे। और इसके बाद में रवि सिंह जी, गुरु ये तो हो गया था, त्रिवेदी जी यूथमैन को मैं भी देखता हूँ, हाँ जी ये भी हो गया था। और सचिन जी, सचिन DTH, अमित सर कम बजट में कोई AVR है क्या? कम बजट में सर 5 चैनल के अंदर 250 BT मिनिमम रेट में आता है, बाकी इससे नीचे का कोई भी AVR है ही नहीं। और आगे चलते हैं। पंकज जी, सर एक अच्छा सा बूफर मैं क्या होता है जो उसे अच्छा बनाता है? क्या सारे सबवूफर लो फ्रिक्वेंसी पर ड्यूस करते हैं लाइक below 20? नहीं, ऐसा नहीं है पंकज जी, सभी below 20 तक नहीं जाते। कईयों का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड इससे कम भी हो सकता है, कईयों का ज़्यादा भी होता है, तो अलग अलग होता है, वो स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। और एक अच्छा सबवूफर में क्या होता है, तो ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने पूछ लिया यार। हर चीज़ की ही एक चीज़ कीमत होती है। देखिए, कंपनी एक चीज़ बनाती है, तो जितनी भी चीज़ें एक हमारे सबवूफर में लग रही हैं, इंक्लोज़र है, ड्राइवर है, उसका एम्पलीफायर है, उसकी फिटिंग है, इवन उसके अंदर जो वायरिंग लग रही है, उसका डिस्टेंस है, सॉरी उसकी लेंथ है, एंड उसकी जो थिकनेस है कि कितनी मोटी वायर लग रही हैं, ये सभी चीज़ें आपस में मिलकर एक सबवूफर को अच्छा बनाती हैं। तो कंपनी वाले जो उनसे ये चीज़ें जब बनाते हैं, तो बहुत सालों की रिसर्च होती है। मतलब वो हमारी तरह ऐसे नहीं करते कि मैंने एक लकड़ी वाले को बुलाया, उसको कहा यार ये वाला ऐसा डब्बा बना दे मुझे लकड़ी का, उसके अंदर एक छेद कर दे, उसमें मैं अपना स्पीकर घुसा दूंगा, पीछे एम्पलीफायर बनाऊंगा, वो लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको रिसर्च किया जाता है, तो वही ये सब चीज़ें जो उनसे एक स्पीकर को या एक सबवूफर को एक अच्छा बनाती हैं। JBL 9.1 कैसा है? बहुत बढ़िया है भैया, बताया तो आपको, कहाँ होगी गवा आपको भैया। त्रिवेदी जी, NX1B1 बोर्ड कैसे कैसा रहेगा JVC का? यार मेरे को भाई पता नहीं है इस मॉडल के बारे में, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा इसके बारे में। कमल खन्ना जी, हमें जी BenQ 2700, हाँ वो भी, हाँ 2700 जो उनका प्रोजेक्टर है, वो भी अच्छा प्रोजेक्टर है यार 4K के अंदर, वो भी बढ़िया है। और पंकज जी, अभी मेरे पास में एक प्रोजेक्टर आया है ViewSonic वालों की तरफ से, जिसका अभी डेमो भी करूँगा मैं, अभी मैं टेस्टिंग पे लगा रखा है मैंने उसको, तो इस सबको करने के बाद में, मतलब वीडियोस वगैरह बनने के बाद में, उसको भी सेल कर दूंगा मैं। तो वो अगर, जब मैं बता दूंगा उसका, मैं पोस्ट डाल दूंगा इंस्टाग्राम पर, अगर कोई लेना चाहता होगा तो मुझे बता देना, तो वो बहुत अच्छे लेस पर मतलब कि मैं आपको दे दूंगा। वैसे जोन सी उसकी कॉस्ट है वो 2 लाख रुपये है जो MRP है उसका, बट बहुत अच्छे रेट पे अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, और बिल के साथ आएगा, आपको पूरी वारंटी मिलेगी उसकी, आपके नाम का ही बिल कटेगा। तो एक बार पहले उसकी वो कर लें, ज़रा वीडियो वगैरह बना लेंगे, उसके बाद में इस बारे में और देख लेंगे। तो उसे मैंने टेस्टिंग भी लगा रखा है, घर पे ही लगा हुआ है वो मेरे, तो टेस्ट कर रहा हूँ अभी, 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो शायद मैं देखता हूँ, फ्री होकर बनाऊँगा। तो आगे बढ़ते हैं। सूरज जी, लैग ये वाला कैसा है? 5.1 सेटअप इप्सन 7 तो डेनन 2700 ऑर्डर किया है नासिक में, किरण होम थिएटर वर्ल्ड। अरे हाय यार, क्या करूँ मैं इसका यार, एक मिनट यार, क्या हो गया रे बकवास तुम्हारा, अरे नहीं बस इतने दुखी हो तो मरते कहाँ हैं।
जी यार भाई साहब गिरूंगा एक दो बार, इससे पक्का गिरूंगा यार एक बार। नेक्स्ट यार एक मिनट रुकना यार, ये सोफा भी ना मेरा को थोड़ा उधर कर देना जरा, मुझे हिलता रहे। जी तो हम कहाँ थे यार? स्पीकर्स देखो, डेडिकेटेड स्पीकर्स अगर किसी को चाहिए हैं और ठीक अगर बजट है उस बंदे का, तो मेरे हिसाब से अभी मैं दो तीन कंपनीज ऐसी लेकर आ रहा हूँ अभी, शायद यूट्यूब पे अभी तक नहीं दिखाया होगा। अब ये लाइन ही बेकार है क्योंकि यूट्यूब पे तो जैसी जिस पे वीडियोज़ हमारी बनती हैं तो वो मेरे ख्याल से वो यूट्यूब पर आपने पहले देखी भी नहीं होगी। मतलब वो ऐसा नहीं कि आपने नहीं देखी होंगी, यूट्यूब पर नहीं देखी होंगी कि किसी ने उनका रिव्यू किया हुआ है या दिखाया है किसी ने। तो ये भी जो सी चीज़ें हैं ये भी आप लोगों की वजह से हो पाई हैं कि एक चैनल कोई भी हम ले लेते हैं, उनके 3 लाख 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बट बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो उनसी उनको रिव्यू करने को कभी नहीं बोलती हैं। बट मेरे चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं ओनली, बट तब भी मेरे पास में इतने बड़े बड़े ब्रांड जो उनसे हैं ना वो आते हैं कि आप हमारा रिव्यू करो। मुझे ये चीज़ खुद को कभी समझ नहीं आती कि ये ऐसा होता क्यों है। हालांकि जब मेरे पास में कोई भी ब्रांड आता है, मुझे मेल आता है उनका कि ऐसे ऐसे करके आप हमारा रिव्यू करिए, हालांकि मैं बहुत से ब्रांड जो उनसे उनको मना कर देता हूँ रिव्यू करने से। बहुत रेयर ही होता है कि मैं कोई रिव्यू करता हूँ किसी ब्रांड का, बट मैं उनसे पहली चीज़ यही पूछता हूँ, मैं कह रहा मेरे सब्सक्राइबर्स 15,000 हैं, शायद आपको वहाँ पर 15M तो नहीं नज़र आ गया, तो आप मेरे से रिव्यू करवा कर क्या करोगे? वो आगे से उनका रिप्लाई यही आता है कि हाँ भैया सही है, हमें पता है, तो आप करिए कोई बात नहीं। अब SVS जैसा इतना बड़ा ब्रांड है, वो पूरे YouTube के ऊपर आप देखोगे तो उसका कोई रिव्यू आपको नहीं मिलेगा, इंडियन YouTube के अंदर रिव्यू नहीं मिलेगा उसका आपको कहीं पर भी, बट वो मेरे पास सामान छोड़ के चले जाते हैं अपना कि आप हमारा रिव्यू करो। अभी मेरे पास में ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सारा रिव्यू के लिए सामान आ रखा है मेरे पास में। ये प्राइम सैटेलाइट्स आए हुए हैं, इनका रिव्यू के लिए है। ये मेरे पास में अभी सब ऊपर आया है माइक्रो, ये भी रिव्यू के लिए आया हुआ है मेरे पास में। तो जो तो मुझे खुद को लगता है ना अच्छा कि हाँ ये चीज़ें इनकी अच्छी होती है तो मैं उनका तो रिव्यू करने के लिए हाँ भर देता हूँ, बट कंडीशन उसमें भी यही होती है मेरी कि अगर मुझे कुछ लगेगा, कमी लगेगी, तो वो कमी भी मैं ज़रूर बताऊँगा वहाँ पे। नवीन जी ने बताया है उटोपिया, हाँ यस यस नवीन भाई बिल्कुल सही कहा आपने, उटोपिया मॉडल है उसका फोकल के, जो स्पीकर्स मैं बता रहा था आपको, कुछ उसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं। और क्या चाहिए सर? आईमैक्स थिएटर में कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है, एटमॉस या DTS? आईमैक्स यार अलग है, आईमैक्स ही तो वो सारा सब कुछ ही अलग ही होता है उसका, है ही अलग। आईमैक्स के अंदर तो मूवीज़ ही लिमिटेड ही हैं, अभी तक तो लिमिटेड ही हैं फिलहाल। विश्वास जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हाउ इज़ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ हार्मन कार्डन सैटेलाइट स्पीकर्स सिस्टम सैटेलाइट विद द डायनन AVR ईच स्पीकर्स व्हाट इज? सर अब हार्मन कार्डन का ऐसे मैं कैसे आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है बिना किसी मॉडल के और बिना स्पेसिफिकेशन को देखे, क्योंकि हार्मन कार्डन बहुत ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड नहीं है। अच्छा ब्रांड है बट बहुत ज़्यादा सेल नहीं होता है, तो इसलिए याद भी नहीं रहता ये चीज़ों का ना। और गुरु जी मैं भी आपके सभी वीडियोस देखता हूँ, थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी सर उनका नाम बता दो, बताओ वरना इनकम टैक्स वाले चले जाएंगे उनके घर। वो सर बहुत अच्छे बंदे हैं वो, मैं तो कहता हूँ एक पैसे का टैक्स चोरी नहीं करते होंगे यार वो, जिस हिसाब के वो बंदे हैं। यूथ मैन इंडिया आने वाला है नेक्स्ट जनवरी में, यप बिल्कुल सही कहा आपने। दुर्गेश जी सर जी डेनन 250 BT और पोल्क ऑडियो TL 1600 में बेस्ट मूवीज बेस्ट म्यूजिक सुन और देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर दुर्गेश जी बिल्कुल देख सकते हो।
प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट सुटेबल स्पीकर पैकेज फॉर सर सज कितना बजट है आपका, क्या है वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा यही होगा। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको कोटेशन मिल जाएगा। अमित जी सर मैं आपकी अपने लाइफ में वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव सेटअप बनाऊंगा, वर्ल्ड का सबसे बनाऊंगा और आपको ज़रूर सुनाऊंगा, ये मेरा बास्केट लिस्ट में ज़रूर रखूंगा। बिल्कुल अमित जी बिल्कुल बनाइए और बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल मैं आप कहीं भी रहते होंगे इंडिया में, मैं भाई साहब नंगे पैर दौड़कर आपके पास आऊँगा देखने के लिए। ये चीज़ें तो हमें खुद खींचती हैं अपनी तरफ, कोई हमें कहेगा ना कि मेरा सेटअप आकर देखो मैंने ये बनाया है वो नया, तो हमारा अंदर से होता है चलो भैया देखो जाके। और सच्चाई सच बता रहा हूँ यार भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा। मनन जी ज़ेब्रोनिक्स का 9000 प्रो साउंड बार कैसा है? भैया ज़ेब्रोनिक्स वगैरह के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो मैं आपको बताऊँगा और आपकी और मेरी राय मैच नहीं करेगी फिर आप मुझे गालियाँ निकालोगे, इससे अच्छा मुझे नहीं पता। अतुल जी गुरु जी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा अतुल जी। रविंद्र जी प्लीज़ लाइक इफ़ यू रियली लाइक, हाँ ये सच्चाई है कमल जी, अगर आपको लगता है कि लाइक करना चाहिए और आप भूल गए हो लाइक करना, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, उसके लिए वो बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मगर आप तो बढ़ते हैं आगे, और कहाँ पर थे हम? पंकज जी सर SVS PS 4000 की प्राइस क्या है? SVS की PS 4000 अल्ट्रा आता है सर 4000 में, तो यार नहीं 4000 अच्छा ओके यार, मेरे ख्याल से मेरे को याद नहीं है वैसे, बाकी जो 16 आता है इसका अल्ट्रा 16 है वो है आपका 4.25 लाख रुपए के आसपास का, इसका प्राइस एक बार देखना पड़ेगा, ऐसे मेरे को याद नहीं है। एक यार वो कुछ लोग सस्ता वाला ब्रांड मांगते हैं, तो मैं पहले मना कर दिया करता था कि भाई मैं नहीं बेचता, तो अभी मेरे पास में वो क्या ब्रांड है वो टागा हारमनी जो है वो भी आ चुका है, तो टागा हारमनी का भी कोई अगर हो लेने वाला तो वो भी संपर्क कर सकता है, तो उसकी भी जो उनसे लिस्ट है वो आ चुकी है हमारे पास। और हमारे पास में है जी और भी कई ब्रांड आ चुके हैं मेरे पास में, जैसा कि SVS तो पता ही आपको आ गया है, SVS आ गया है, इलेक्ट तो पहले से ही है, पोल कॉडियो पहले से ही था, JBL भी आ गया है, JBL अगर मैं कम सेल करता हूँ बट अगर कोई JBL ही मांगता है तो तब है हमारे पास अब वो भी। और इसके बाद में इमोटिवा भी आ चुका है, पैराडाइम आ चुका है, एंड BMW आ चुका है, मॉनिटर ऑडियो आ चुका है, एपिसोड आ चुका है, और हमारे पास में क्या आ चुका है और क्या आया है, टागा हारमनी आ चुका है, और क्यू इकोस्टिक आ चुका है, एंड और भी यार आ चुके हैं, हाँ कैफ है, KEF वो आ चुका है, और भी काफ़ी कुछ है जो आ चुके हैं जो कि एकदम से मुझे याद में नहीं आएंगे मेरे, तो हमारे पास में हाँ जी हाँ पैराडाइम आ गया है, कैफ आ गया है, पोल कॉडियो पहले ही है, डेनन है, मरांट्स है, एंथम है, ओटागा हारमनी है, मॉनिटर ऑडियो आ गया है, फोकल आ चुका है, और एपिसोड आ गया है, और भी कई ब्रांड हैं जो उनसे जल्दी ही हमारे पास में आने वाले हैं, तो आपको भी हाँ रेवेल भूल गया मैं, रेवेल भी आ चुका है मेरे पास, तो काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो उनसे हाई एंड ब्रांड्स हैं जो आ चुके हैं, और अभी कई ब्रांड्स और धीरे धीरे कर कर अभी और आएंगे, तो कोई ब्रांड अगर ऐसा आपकी नज़र में भी हो जो अच्छा है और आपको लगता है कि ये भी होना चाहिए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, तो हम कोशिश करेंगे उसको भी अपने साथ जोड़ने की, वैसे तो हमने क्या जोड़ना है वो तो कंपनी वालों की मर्जी होती है कि क्या करते हैं वो। तो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 5000 में सबवूफर कौन सा बढ़िया है बताओ ना भैया, 5000 में सबवूफर कोई सा भी नहीं आता है, अगर नॉर्मली एक अच्छा सबवूफर भी आप ले रहे हो तो तकरीबन 18000 रुपये के आसपास आपको खर्चना ही पड़ता है। यामा का एक सबवूफर आता है 11-12 हज़ार रुपये का, जो कि नाम का सबवूफर है, या फिर ये कह सकते हैं कि सबवूफर के नाम पे कलंक है। अब आप में से कोई अगर उसे यूज़ कर रहा है तो बुरा मत मानना, जो सच है वो सच है। रुपेश जी हेलो सर, हेलो रुपेश जी। सुल्तान जी सर मेरे टावर स्पीकर्स असेंबल कर रहा हूँ, ओके उसमें 8 इंच की 2 मिड रेंज स्पीकर, एक 12 इंच
वूफर और एक ट्विटर लगा है हम क्या ऑनक्यो एवी रिसीवर्स से बजा सकते हैं? सर बजा सकते हो, जब आप इसे स्पीकर को तैयार करोगे तो उसकी इंपीडेंस देख लेना, इंपीडेंस कितनी निकल रही है टोटल ऑफ स्पीकर की आपकी क्रॉसओवर लगने के बाद में, तो अगर वो आपके एवीआर को मैच करती है तो बिल्कुल आप चला सकते हो। गुप्ता जी कौन से कहाँ गए, पंकज गुप्ता, मैंने डेनन 3700 का 9.1 सेट बनाया है। बहुत अच्छी बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज़ विजिट नोएडा, इट्स अमेजिंग। सर थोड़ा सा मुश्किल है आना, बट आप मुझे इंस्टाग्राम पर एक बार ही मैसेज कीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगा पूरी, अगर उस तरफ कभी आया तो आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा। बाकी कोई यूनिक सी चीज़ अगर किसी ने लगा रखी है जो से आपको लगता है कि इंडिया में लोगों को नहीं पता और पता लगनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ें यार आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, वहाँ आकर हम आपके सेटअप की वीडियो भी बनाएंगे, आपसे भी मिलेंगे और आपको भी दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे आपके बारे में भी कि आपने क्या किया हुआ है। और ये जैसे अभी ये 9.1 चैनल हो गया या 11 चैनल, मतलब ये होम थिएटर के इस टाइप के जो पैकेजेस हैं ये तो कॉमन उसमें आ जाते हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता, मतलब मैं स्पेशली जाकर देखना जो उनसे है वो थोड़ा मुश्किल है, बट कोई अलग सी कुछ यूनिक आइटम आपने लगा रखी है तो उसके लिए तो फिर अंदर से कीड़ा मचलता रहेगा मेरे के यहाँ जाके देखूँ। बट फिर भी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप अपना एड्रेस और एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मैं उस तरफ कभी भी आऊँगा तो एक बार आपसे कोऑर्डिनेट करूँगा और एक बार मिलूँगा ज़रूर आपसे। कृष्णमूर्ति अय्यर जी, सर हमने भी नमस्ते किया था। ओहो कृष्ण अय्यर जी, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, शायद नहीं पढ़ पाया मैं, तो नमस्कार। चिराग जी, बीटी का प्राइस क्या है? सर बीटी का प्राइस आप इंस्टाग्राम पर पूछिएगा, यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है प्राइस को लेके अभी। अमित जी, सर फ्लोर फ्रंट वायरिंग वर्सेस डाउन वायरिंग सब ऊपर कौन सा सही होता है? यार दोनों सही होते हैं, मुझे तो आज तक में कोई फ़र्क नहीं पता लगा इनके अंदर। कंपनी बना रही है जो चीज़ वो बहुत सोच समझ के बना रही है, अगर फ्रंट फायरिंग सब ऊपर सही नहीं है या फिर डाउन फायरिंग सब ऊपर सही नहीं है तो कंपनी पागल थोड़ी है, बेवकूफ़ थोड़ी है जो इतना पैसा अपनी रिसर्च पे खर्च रही है। यार उनको तो हमसे ज़्यादा पता है, वो तब भी बना रहे हैं अगर, तो वो चीज़ सही है वो इसीलिए बना रहे हैं यार। पंकज गुप्ता जी, शुड आई गो फॉर मरांड सेट विल बी इज बेटर देन? सर बेटर में देखो ज़्यादा फर्क तो हम नहीं कह सकते ऐसा, बट ये है कि मरांड्स के अंदर थोड़ी क्वालिटी जो सी है वो ज़्यादा सही आ जाती है, बट वहाँ पर वॉटेज जो सी है वो कम हो जाती है हमारी, तो हमारे ना स्पीकर्स पे भी डिपेंड करता है कि हमारे स्पीकर्स कौन से हैं, स्पीकर्स के हिसाब से हम फिर एम्पलीफायर या एवीआर को चूज़ करेंगे कि हम डेनन लें या हम मरांड्स का लगाएं। सचिन जी, अमित सर, पंकज जी, SVS, PSVU, सिलेंडर सब ऊपर है? ओहो सर जी उसका नहीं मैं मेरे को पता, ना ही मैं उसको प्रेफर करता हूँ यार उसको, बाकी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं जो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो, बट मेरे को वो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, वो गाड़ियों वाले सब ऊपर जैसे बेस ट्यूब्स आती हैं उस तरीके का लगता है वो। और क्वेश्चन का आंसर, सूरज जी आपका क्वेश्चन का आंसर रह गया होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कई बार कमेंट्स इकट्ठे आ जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं तो पता ही नहीं लग पाता है। कमल खन्ना जी, अमित जी कृपया JBL स्टेज 830 के रिव्यू कीजिए, करिए। यार कमल जी सीरियसली आपको बताऊँ ना, मेरे को ना रिव्यू करने में मज़ा पता है किस चीज़ का आता है, जिसके बारे में ना मुझे पता होता है कि हाँ ये इसके अंदर है ना कमियाँ नहीं है कोई भी, मतलब JBL जो है ना वो ब्रांड अच्छा ब्रांड है, और मैं कहता हूँ कि अगर हम विंटेज स्पीकर्स की बात करते हैं तो शायद JBL से अच्छे स्पीकर मुझे नहीं लगता कि विंटेज के अंदर में जो अच्छी कंडीशन में आज की डेट में मिल जाते हैं वो किसी और कंपनी के आते होंगे यार, जो चीज़ JBL की मिलती है। बट अभी जो उनसे यार ये JBL के स्पीकर आ रहे हैं ना, ये पता है क्या है, ये सिर्फ लाउड हैं, मतलब शोर मचवा लो आप इनसे जितना मर्जी, बट लाउड एंड जंक मैं इनको बोलता हूँ कि बस, मतलब वो यार होता नहीं, जैसे कि और हम शादियों में जाते थे ना अपना, जैसे गांव वगैरह होते हैं तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम से लगते थे ना, उन पे क्वालिटी कुछ नहीं होती थी वो, मगर आवाज़ जो सी होती थी ना वो इस गांव में लगा होता था जो चार गांव तक आवाज़ जाती थी उसकी, तो ये जो सी चीज़ है ना ये JBL में मेरे को ये लगती है क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, उस तरीके की नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूँ, बट अगर उन्हें कंपेयर करते हैं किसी और से तो लाउडनेस तो भरपूर मात्रा में मिल जाती है हमें, बट जोन सी क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी जोन सी है वो उस लेवल की मुझे लगता है जहाँ तक नहीं मिलती। बाकी आप में से काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे तो आप भी बताइएगा अगर आपको कैसी लगती है, अगर मैं सही हूँ या मैं नहीं हूँ सही।
प्रताप जी, सेकंड हैंड एवीआर कम से कम कितने का होगा? सर कम से कम का तो कुछ ऐसा फिक्स प्राइस नहीं होते इसके। अगर बेसिक सा आप ले रहे हो तो 8,000 7,000 में मिल जाता है। HDMI में 5.1 चैनल ले रहे हो तो 10 से 15,000 में मिल जाएगा। इस तरीके से अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग कंपनी का फ़र्क होता है, फीचर्स का फ़र्क होता है, मॉडल्स का फ़र्क होता है। रुपेश जी, हरपिंदर सिंह जी, सर एपिसोड स्पीकर्स का कोई सर्विस सेंटर कहाँ है? कोई सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम हो तो? नहीं है। नहीं, सर्विस सेंटर सर जी हमारा खुद के आपके पास, आप हमारे पास भी ला सकते हो उसको सर्विस के लिए, आपके एपिसोड के जो स्पीकर्स होंगे। बट दिल्ली के अंदर में इसका सर्विस सेंटर है मेरे पास में, एड्रेस मतलब उस पर बुकलेट पे है मेरे पास में, अभी मेरे को याद नहीं है। बाकी ये जो कंपनी है ये डीलर प्रोवाइड करवाती है कि डीलर्स के पास ही आपको इसकी सर्विस भी मिल जाएगी। मतलब अगर आप हमसे कुछ खरीद के ले जा रहे हो एपिसोड का, तो कोई दिक्कत अगर आती है तो आप उसे हमारे पास भी ला सकते हो। रुपेश जी, सर कोई सिस्टम आपसे ली हो और वारंटी में हो, कुछ खराबी हो तो ठीक करने में क्या करना होगा? आप कर दोगे कि नहीं? सर रुपेश जी, जो वारंटी मिलती है वो कंपनी की मिलती है, आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं, जैसे एपिसोड मैंने आपको बताया अभी कि एपिसोड जो है वो डीलर से वारंटी प्रोवाइड करवा देगा, बट बाकी के जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो सारे जो हैं कस्टमर को वारंटी देते हैं। आपने कस्टमर मतलब कस्टमर को सर्विस सेंटर लेकर जाना होगा चीज़ को, और आप उनसे बात करो। कुछ बार कई बार होता है कि वो ऑन साइट वारंटी भी दे देते हैं, तो वो आपको एक बार बात करनी पड़ेगी। बट मोस्टली जितने ब्रांड हैं उन पे जो वारंटी मिलती है वो कंपनी देती है, वो हमारी तरफ से नहीं होती। हमने सिर्फ उस चीज़ को बेचना है आपको, उसके बाद में जो दिक्कत आ रही है वो कंपनी में आपने जाना है। बस ये नहीं है उसका मतलब कि हम बिल्कुल ही आपकी हेल्प नहीं करेंगे। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी, जितना हम कर सकते होंगे वो हम भी करेंगे, बट जिम्मेवारी जो उनसी होगी उसकी वो कंपनी की होती है। इलेक सूरज पाटिल जी, इलेक बी 5.0 ओ डब्ल्यू 4.2 जेबीएल सी एल सी इलेक सब 20 कैसा है? अच्छे सेटअप है सर ये। सर सर ये सारी कंपनीज जो सी हैं सभी बेटर हैं यार। ये BMW का स्पीकर सुना है आपने? बिल्कुल सुना है अमित जी। BMW की मैंने काफ़ी टाइम तक, इनकी जो सीरीज आती है 600 सीरीज आती है इसकी BMW की, वो मैंने तकरीबन खुद पर्सनली 1-1.5 साल तक तो मैंने उसको यूज़ भी किया है। 603 आई थिंक, पता नहीं ऐसे कुछ ना नंबर था, मुझे ध्यान में नहीं है उसका। वो तो मैंने काफ़ी 1-1.5 साल तक मैंने लगातार यूज़ किए हैं। उसके बाद में इसके बुक शेल्फ मैंने मंगवाए थे, बाहर से मंगवाए थे, वो थे हमारे डायमंड सीरीज़ के थे या क्या थे वो पता नहीं, अभी नाम तो याद नहीं है। वो बॉक्स पैक ही मंगवाए थे मैंने बाहर से, तो वो आई थिंक कुछ 3.5 लाख या 4 लाख ऐसे कुछ ही आए थे, मतलब इतने तक के आए थे वो। उनको भी यूज़ किया था थोड़ा टाइम, बाद में बेच दिया था उनको। मगर तो BMW अच्छी है कंपनी, इसके काफ़ी चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली इसका सबवूफर सेल किया है मैंने, 12 इंच का एक यूज्ड के अंदर था मेरे पास में पड़ा हुआ। और एमल का सर, यू मस्ट ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्लेंस कैनेडा, इट लुक्ड फॉर इट और नॉट अवेलेबल इन इंडिया। यारी दा लाते जाना है कॉपी एंड पेस्ट एंटर, तो यहाँ पर आ गया है फ्लुएंस। ठीक है, हमने खोल लिया है सर ये आपके कहने पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, इसको बाद में हम चेक कर लेंगे। एक बार आगे चलते हैं, हम आपके पास से कोई स्पीकर्स परचेज करें खरीद सकते पैकेज या एवीआर कैसे खरीद सकते हैं? चिराग जी, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप यहाँ से आकर भी ले सकते हो। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो आपको पहले पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे अकाउंट के अंदर, उसके बाद में आपको हमें 1 या 2 दिन का टाइम देना होगा, फिर यहाँ से डिलीवरी निकलेगी आपके सामान की। तो 1-2 दिन में डिस्पैच यूजली हो जाता है और 2-3 दिन में आपके पास पहुँच जाएगा वो। बट पैसे जो हैं वो आपको पहले पे करने पड़ते हैं। भाई 30,000 बजट वाले वाले ने
आपका चैनल देखना चाहिए कि नहीं। धीरज जी, अब ये तो देखो, मैं क्यों कहूँगा कि ना देखो मेरे चैनल को, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप, बेशक हो सकता है कि आपने 30,000 से ऊपर का बजट आपका नहीं है, तो आप जो ले रहे हो वो आप लो, बट मेरे हिसाब से आपको बाकी की जो सी चीज़ें, जो अच्छे बजट की चीज़ें, उनके बारे में नॉलेज लेने में तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है। तो आप चैनल अगर आप देख रहे हो मेरा, चाहे वो चीज़ें आपके बजट से बाहर हैं, तब भी आपका कुछ जा नहीं रहा, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिल रही है। आप अभी, आपका 30,000 का बजट है, सारी ज़िंदगी आपका बजट 30,000 नहीं रहेगा, आपका बजट 60,000 भी हो जाएगा, उसके बाद 120,000 भी हो जाएगा, उसके बाद में 2,00,000 भी होगा, 10,00,000 भी होगा, 20,00,000 भी होगा। तो मेरे हिसाब से देखना कोई बुराई नहीं है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। शाहबाज जी, सर एम्पलीफायर बेस्ट या होम थिएटर? यार ये क्वेश्चन से मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन का। सर एम्पलीफायर और होम थिएटर क्या होता है? ये एक ही, दोनों को मिलाकर एक होम थिएटर बनता है, मैंने पहले भी बताया था। और हम आगे करेंगे बात। सर नमस्ते, अच्छी क्वालिटी का होम थिएटर सिस्टम कितने तक आ सकता है? सर स्टार्टिंग जो सी है 60-70 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है, बाकी उसके ऊपर आपकी मर्जी, आप कितने पैसे खर्चना चाहते हो। कमल खन्ना जी, अमित जी प्लीज़ कम टू ऋषिकेश, मैं आपको राफ्टिंग कराऊंगा। अरे सर जी, आई लव राफ्टिंग यार। कमल जी बिल्कुल डन हो गया सर, जितना जल्दी हो सकेगा बिल्कुल आऊँगा सर आपके पास। राफ्टिंग का तो मैं वैसे ही बहुत दीवाना हूँ। आपसे एक्चुअली मेरी बात थोड़ा सा बाद में हुई है, उससे तकरीबन अभी एक महीना पहले, ये जो कोरोना का जो ये हुआ था, ये अभी लास्ट जो लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले, उससे भी काफ़ी पहले, मगर हम गए थे तो वहाँ पे हम राफ्टिंग वाफ्टिंग भी करके आए थे। मैं तो वैसे ही दीवाना हूँ सर राफ्टिंग का। क्लास ए एम्पलीफायर भी बनाते हैं? क्लास ए एम्पलीफायर सर बिल्कुल बनते हैं, अभी भी बनते हैं, बट पावर जो उनसे एम्पलीफायर बनते हैं उन्हीं में क्लास ए का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, इंटीग्रेटेड के अंदर में अभी कम हो गया है। बाकी अच्छी जो कंपनीज हैं, जैसे क्रेल है, क्रेल अभी भी जो है, क्रेल के आप इंटीग्रेटेड भी ले रहे हो तो वो मोस्टली जो उनसे आपको क्लास ए के अंदर ही मिलेंगे। तो इस तरीके से क्लास ए में अभी भी बनते हैं, बट AVR जो उनसे आते हैं, AVR वगैरह क्लास ए में नहीं आते, जो स्टीरियो पावर हैं वो क्लास ए में आते हैं, या फिर जो इंटीग्रेटेड स्टीरियो के अंदर है वो क्लास ए में भी अभी आते हैं। क्लास ए में कॉस्टली पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है एम्पलीफायर यार। इंद्रजीत जी, अमित जी गुड इवनिंग, डेनन 1600 विद स्पीकर्स कंप्लीट एस्टिमेट प्राइस बताएं। सर अंदाजन जो है वो तकरीबन आपको 120 और 130 के आसपास पड़ता है पूरा कंप्लीट पैकेज जो है। बाकी एग्जैक्ट पैकेज के लिए आप इंस्टा पे मेरी टीम से बात कर लीजिएगा। आई थिंक SVS के ही बहुत रिव्यू हैं, बहुत रिव्यू हैं सर, बहुत रिव्यू तो वैसे तो हैं। इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया में कोई खास रिव्यू आपको नहीं मिलेंगे, हिंदी के अंदर तो नहीं मिलेंगे इसके। और अरपिंदर जी, सर मैं एटमॉस स्पीकर्स लगाना है सीलिंग में, गुड सराउंड साउंड क्वालिटी के लिए, आप कौन सा सजेस्ट करते हैं? 25,000 की रेंज है पेयर ऑफ स्पीकर्स। सर 25,000 तक की रेंज में अगर आपने लगाना है अरपिंदर जी, तो मेरे हिसाब से आप पैराडाइम ले सकते हो, या आप मॉनिटर ऑडियो है मॉनिटर ऑडियो ले सकते हो। और बजट ज़्यादा है अगर आपका तो एपिसोड है, डेफिनेटिव है, इनमें जा सकते हो आप। वो 25 के आसपास में तो यार यही है सिर्फ, फिर ईलैक के ले सकते हो, पैराडाइम ले सकते हो, एंड अपना ये क्या होता है इमोटिवा, नहीं इमोटिवा में वो नहीं है, उसमें अलग है वो, यही है यार ये इस रेंज के अंदर अगर आप लेते हो तो। विनोद नहीं, जय माता जी सर जी। रुपेश जी, सर आपने मेरा क्वेश्चन स्किप कर दिया, रुपेश जी माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ दोबारा भेज देना। कहाँ गए? विजय लक्ष्मी जी, सर जी आपके पास अभी 12 इंच का कौन सा सब ऊपर अवेलेबल है 200 वाट में? सर 12 इंच में अगर यूज की बात कर रहे हो तो 200 वाट में तो नहीं है, 650 वाट के अंदर है। जैमो का साइज 650 12 इंचज में है वो, सील्ड इंक्लोजर के अंदर। और बस वो अभी फ़िलहाल यूज़ के अंदर तो वही है, बाकी नया तो कोई भी कहोगे, जौन सा भी कहोगे वो मिलेगा। एटमोस AVR कौन सा लेना बेस्ट है? सर बजट पे डिपेंड करता है आपके कि बजट क्या है आपका। बेस्ट में तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो मेरे को लगता है कि नहीं हम परचेज़ कर पाएंगे उसे।
अर्जुन जी सर, म्यूज़िक लवर के लिए AVR कैसी चॉइस रहेगी? बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर आप एक सीरियसली म्यूज़िक लवर हैं तो आपको एक स्टूडियो सिस्टम खरीदना चाहिए, ना कि एक होम थिएटर लेना चाहिए आपको। रॉयल रेजिडेंसी सर, अगर हमारा बजट 3 से 4 लाख का है तो क्या इस रेंज में हमें बेहतरीन होम थिएटर का एक्सपीरियंस मिल सकता है? यह बजट केवल ऑडियो सिस्टम के लिए है। बिल्कुल सर, 3 से 4 लाख के अंदर आपका बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है। वो डिपेंड अब ये करता है कि अब मैं आपको ऐसे इतने जो पैसे खर्चने वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको हम ऐसे चीज बताते कि ये लगा लो वो लगा लो, क्योंकि एक्चुअल जो तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आपका रूम देखा जाता है कि आपका रूम कैसा है, सेकेंड उसके बाद में हम वहाँ का इंटीरियर देखते हैं कि आपका जो रूम है उसमें आपने लगाना क्या है, आपने उसको किस तरीके से बनाना है। वो बेडरूम है आपका, ड्राइंग रूम है, सोफाज लगा रही हो, कारपेट लगेगा नहीं लगेगा, ऊपर सीलिंग होगी नहीं होगी, 3600 चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ों को डिसाइड करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ लगनी चाहिए है। तो 4 या 5 लाख के बजट के अंदर आपका काफ़ी अच्छा म्यूज़िक सिस्टम तैयार हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें audioguruji85@instagram पर। प्राशानाथ, गुरुजी प्लीज सजेस्ट मी होम थिएटर विद AVR HDIB। सर HDIB में वही 2-4 मॉडल जो उनसे घिसे पिटे आ रहे हैं शुरू से, वही आ रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा उसमें। वही यामा का है 2 मॉडल, एक मॉडल आपका वो पाइनियर का हो गया, वही है, बाकी जो उनसे वो अलग अलग पैकेज के अंदर ही आ रहे हैं। चिराग जी सर, बेस्ट 5.1 होम थिएटर बता दो। सर बेस्ट जो सा होता है वो बेस्ट बेस्ट होता है, उसमें ऐसे बेस्ट नहीं होगा। आपके बजट क्या है, आपका बजट के सबसे बेस्ट का पता लगेगा। बाबूलो राव, 50,000 की रेंज में होम थिएटर? 50,000 में नहीं आएगा सर, 60 या 70,000 तक आपको जाना ही पड़ेगा, तब आपको कोई चीज़ सही सी मिल सकती है। एंड आगे चलते हैं। रुपेश जी कहाँ गए? डेन एंड पोल का ऑडियो इलेक का सर्विस सेंटर गुजरात है क्या? सर बिल्कुल गुजरात में होगा, आई थिंक सूरत के अंदर आपको इनके सभी के सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे। और सूरज पटेल जी सब 3010 कैसा है इलेक? सर इलेक का 3010 जो सा है एक अच्छा सा बूफर है, वो इलेक के सभी सब बूफर वैसे तो अच्छे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसमें यह है कि ये जो एम्पलीफायर है ये क्लास AB का यूज़ करते हैं। विजय लक्ष्मी जी, 12 इंच में यूज सब ऊपर की बात कर रहा हूँ सर। सर 12 इंच के अंदर यूज्ड में वो सिर्फ एक ही है, जेमो का 650, और कोई भी 12 इंच में अवेलेबल नहीं है। नीलवम माइटी जी, सर मुझे म्यूज़िक का अच्छा फीलिंग पाने के लिए क्या करना चाहिए? सर जी अच्छी म्यूज़िक की फीलिंग चाहिए है तो एक आप इंटीग्रेटेड स्टीरियो एम्पलीफायर करिए, उसके साथ में अपने बजट के हिसाब से बुकशेल्फ या फिर टावर स्पीकर्स, इन दोनों में से जो आपके बजट में आते हैं और आपके टेस्ट के हिसाब से उनको चूज़ कीजिए। हरपिंदर जी सर, पोल ऑडियो इससे सीलिंग स्पीकर कैसे हैं एटमॉस के लिए? बिल्कुल सर वो भी आप यूज़ कर सकते हो, सही है, जब तक आप किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हो तो वो अच्छे हैं, अगर आप किसी और से कंपेयर करोगे उनको तो मे भी वो सही नहीं लगेंगे आपको। कमल गन्ना जी, अभी भी कह रहा हूँ प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक अमित जी, फिर मत कहना। थैंक यू वेरी मच कमल जी, इतना सोचने के लिए भी आपके, शर्म करो ए शर्म। चलिए धन्यवाद है कमल जी बहुत बहुत आपका, आप इतना सोच रहे हो यार। एपिसोड सिग्नेचर 5 सीलिंग स्पीकर्स एटमॉस किस रेंज में है? यार एक बार सर रेट चेक करना पड़ेगा, ऐसा रेट मेरे को याद नहीं है इसका, थोड़े महंगे ही होते हैं इनके, सस्ते नहीं होते, काफ़ी अच्छा बस काफ़ी हाई क्वालिटी के अंदर मतलब ये स्पीकर्स बनाते हैं यार ये। और दीपक जी सर, सोनी वीडेवी तो होम थिएटर अच्छा है क्या? हाँ सर, अगर आप इस बजट के अंदर और इस सेगमेंट के अंदर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। एरगन जी सर, रूम एकोस्टिक के लिए ड्राई वॉल लगाने के लिए मेटल चैनल ठीक रहेंगे या वुडन? सर वुडन जो सा है वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जब हमारे स्पीकर्स और सबवूफर्स चलते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, तो बहुत सी जगह जो मेटल के हमारे ब्रैकेट्स लगे होते हैं वो हिलते हैं तो वो छन छन की आवाज़ें निकालते हैं अंदर से, उनमें अपनी ट्यूटर बजने शुरू हो जाती हैं उनके। तो लकड़ी की जो सी पैनलिंग होती है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि वो छन छन नहीं करती।
विजय लक्ष्मी जी 10 इंच के बारे में बता दो सर। सर 10 इंच के अंदर आपको क्या मिलेगा? 10 इंच में आपको यूज के अंदर में सर मिल जाएगा, ऑनक्यो है, ऑनक्यो मिल जाएगा, और सनफायर मिल जाएगा, और यूज में हमारे पास में क्या पड़ा है, यूज में क्या है, और हाँ रेल है, एक रेल एकूस्टिक का पड़ा हुआ है स्टेडियम सीरीज, वो मिल जाएगा। और 10 इंचीज में एक हारमन गार्डन पड़ा हुआ है, वो मिल जाएगा, बट वो सब ऊपर नाम का ही है, वो ना ही लोगे उसको तो ज़्यादा अच्छा है, यही है उसमें, यही मिल सकता है। जय जवान जय किसान। तो अभी मैसेज आया नहीं है अगला दिन कोई भाई। लोगों कितने लाइक हो गए हैं वैसे? 50, यहाँ 56 दिखा रहा है और वहाँ पे भी 56 ही दिखा रहा है, तो 57 वहाँ भी 57 ही है। ओके, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया और करना चाहते हो तो कर दो, और जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर उन्हें लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रोजेक्टर 7100 इप्सन ? जी सर बिल्कुल, आप ले सर लेना चाहते हो अगर इसे तो बिल्कुल ले सकते हो, अच्छा प्रोजेक्टर है। इलेक्स सिनेमा और डेनन का सर्विस सेंटर आसाम में कहाँ है क्या? सर मेरे को ऐसे नहीं पता, आपको गूगल पर चेक करना पड़ेगा एक बार, मुझे पूरे उसका नहीं पता कि कहाँ कहाँ है। 7100 इप्सन सर ज़्यादा मतलब सॉरी अच्छा प्रोजेक्टर है ये भी। और विकेश कुमार जी, व्हाट अबाउट ऑनक्यो 5100 विच वन इज द बेस्ट? सर यार ऑनक्यो जो है ना, देखो अभी सुनने में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंडिया के अंदर में बंद हो रहा है, तो अभी उसकी सर्विस का आगे चल के क्या होगा मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि पहले पाइनियर बंद हुआ, पाइनियर को इन्होंने ले लिया था, टेक ओवर कर लिया था, अभी इसके बारे में भी यही सुनने को आ रहा है। तो अभी के लिए हम अगर ऑनक्यो के बारे में कोई बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, एक बार पहले डिसाइड हो जाए कि ये जो बात सुनने में आई है ये सच है या नहीं। दीपक जी सर 50,000 के अंदर फुल बास एंड डॉल्बी एटमॉस का भी सेटअप चाहिए, कौन सा होम थिएटर है? सर 50,000 के अंदर डॉल्बी एटमॉस के अंदर कोई भी होम थिएटर नहीं आता है, उसके लिए आपको मिनिमम कॉस्ट जो सी है तकरीबन 1,20,000 1,30,000 के आसपास खर्चना पड़ता है। और प्रशांत जी सर तो आपके हिसाब से HITV में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो 50-60 रेंज में बेस्ट स्पीकर सेटअप बोलिए। प्रशांत जी आप डेनन का 250 BT ले लीजिए, उसके साथ में पॉलकॉडियो के TL 1600 ले सकते हो, या फिर रिलैक्स सिनेमा 5 ले सकते हो, तो ये एक 5.1 चैनल के अंदर में बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लो तो। साधिकल जी सोनी STR यामा बेस्ट? सर यामा 1840 जो है वो ज़्यादा बेस्ट है सोनी RT3 से। उपेश जी सर आई लाइक योर एक्सप्लेनेशन द वे यू डू, थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू वेरी मच। और किसी किसी को ये चीज़ मगर बहुत बुरी भी लगती है कि जो मुंह में आता हूँ बोल देता हूँ। और आगे चलते हैं जी, अभिजीत शर्मा जी सर रेसबेरी पी वी आई वाले डेक कैसे रहते हैं? सर रेसबेरी के काफ़ी जो मैंने कभी यूज़ तो नहीं किया मैं आपसे सीरियसली बताऊं तो, बट जो मैंने सुना है लोगों से इसका जो रिव्यू सुना है वो यही सुना है मैंने कि हाँ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और सस्ते के अंदर, तो बाकी पर्सनली यूज़ मैंने नहीं किया इसलिए मैं फिक्स तो नहीं ऐसे कुछ बता पाऊँगा आपको बिल्कुल, बट जो सुना है वो तो यही है। शिवेश जी सर सोनी AV रिसीवर मॉडल दिस प्राइस अवेलेबल? सर सोनी में डील नहीं करता मैं, माफ़ी चाहूँगा आपसे। पिंदर सिंह जी सर एपिसोड सिग्नेचर 5 एटमॉस के लिए परफेक्ट हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल परफेक्ट हैं। और DS सर जी चीपेस्ट 7 चैनल AVR बता दीजिए। चीपेस्ट 7 चैनल सर 1600 ही आता है, इससे सस्ता तो और कोई भी नहीं है।
सूरज जी, यामाहा V6A मिल रहा है क्या? सर मिल तो जाएगा, बट अभी स्टॉक के अंदर नहीं है, थोड़े दिनों में शायद देखिए अवेलेबल हो जाए। संजय जी, सर सर आई लाइक यूर रिव्यूज़, यामाहा श्योर 1 ईयर में कौन सा करना अच्छा होगा? सर इन दोनों में से 3072 जो सा है वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, HTP 076 से। विश्वजीत दास जी, क्लिप्स आर 51 M1 पेयर और क्लिप्स SW क्लिप्स सेंटर सजेस्ट करो विद 7.2 एवियर, सबको मिला कर कितना पड़ेगा? विश्वजीत जी क्लिप्स में मैं सेल नहीं करता हूँ, तो इसका प्राइस आपको अभी तो एकदम से नहीं बता सकता मैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज दीजिएगा तो वहाँ से मे भी हो सकता है कि आपको बता सकें, एक बार डिस्ट्रीब्यूटर से पता करके बता सकेंगे वहाँ पे, वो अब मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। पूजा शर्मा जी, हेलो गुरु जी, हेलो पूजा जी। हरीश चोपड़ा जी, इमोटिवा ए सीरीज़ और क्राउन उसमें कौन से बेटर एम्पलीफायर हैं? सर हरीश जी डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो। क्राउन जोन सा है वो हमारा PA इंस्टॉलेशन के लिए बनता है, इमोटिवा जो है वो होम ऑडियो के लिए आता है। अगर होम ऑडियो के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो इमोटिवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एंड अगर आपको कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए तो आप फिर क्राउन के एम्पलीफायर ले लो। सर श्री राम जी, हाय सर, हेलो जी, आई एम दर्श, ओके। पूजा शर्मा जी कह रहे हैं आई एम दर्श, ओके बेटा जी, क्या हाल है आपके, ठीक हो, खाना खा लिया आपने? और हेलो अमित सर, गजर जी हेलो अमित सर, हेलो जी सुनील पटेल जी, आई वॉज वेटिंग फॉर 2 मंथ्स। सूरज पटेल जी, सूरज पटेल अब 2700 ले लिया, ठीक हाँ तो 2700 सर अच्छा एम्प है, कोई बुरा थोड़ी है, बढ़िया चीज़ है। गरीश जी, विच इज़ द बेस्ट 5.1 होम थिएटर विद डॉल्बी एटमॉस? सर 5.1 के अंदर डॉल्बी एटमॉस नहीं आता गरीश जी, इसके लिए आपको मिनिमम 7 चैनल चाहिए होते हैं। और शुक्ला जी, इवनिंग भाई जी, इवनिंग सर, घर के लिए होम सिनेमा प्लस वीडियो 2 लाख हो जाएगा इंक्लूडेड इंटीरियर बेसिक? सर इंटीरियर का मिलाकर तो नहीं हो पाएगा 2 लाख के अंदर, म्यूजिक सिस्टम को अगर लगा के चलते हो और एक प्रोजेक्टर अगर बीच में इंक्लूड कर देते हैं तब 2 लाख के आसपास में बैठ सकता है। यूनिवर्सल डिजिटल ऑडियो चीपेस्ट AV रिसीवर प्राइस एंड ब्रांड प्लीज़। सर चीपेस्ट अगर एटमॉस में जाते हो तो आपका डेनन का X1600 आ जाता है, और अगर ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड इंडिया, सॉरी यार, इंडिया के अंदर तो डेनन और मारांसी हैं जो सबसे ज़्यादा सेलिंग में आते हैं, तो ये 2 ब्रांड आ जाएंगे इसमें आपके। और मनकर जी, विच वन द बेस्ट रिलैक्स सिनेमा 5 पॉलकॉडियो सिग्नेचर सीरीज बुकशेल्फ 5.1 सेटअप? यार अब आप सिनेमा 12 के सैटेलाइट्स को पॉलकॉडियो के बुकशेल्फ से कंपेयर करोगे तो ये तो चीटिंग होगी ना, या तो आप इलेक्स सिनेमा के भी बुकशेल्फ लो और उनको उससे कंपेयर करो, तब मैं आपको इस बात का जवाब अच्छे से दे सकूंगा, और उसका जवाब यही होगा कि इलेक इज़ बेस्ट। सोनी का बुकशेल्फ एंड टावर स्पीकर्स आपके पास है? नहीं सर मेरे पास नहीं है। पूजा शर्मा जी, हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। और दीपक जी, अमित भाई मुझे अपने 55 इंच TV के लिए बैलेंस्ड ऑडियो में यामा 18000 में। यार दोनों में देखो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है दीपक जी, थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगर TV लेटेस्ट वाला है आपका भी, उसमें आपको ऑप्शन उसका वीडियो इसका डॉल्बी विजन वगैरह का दे रखा है तो आप 3072 ले लो। अगर टॉप TV जो नॉर्मल TV है आपका, बहुत ज़्यादा हाईफाई TV नहीं है, तो फिर आप 1840 भी ले सकते हो। सूरज जी, मिला की स्क्रीन कैसी है? तब टेंशन लो, मिला की स्क्रीन, मिलन की स्क्रीन कैसी है? सर पता नहीं है इस बारे में, मेरे को नहीं पता ये क्या है। ये श्री राम जी, 10000 7.2 चैनल स्पीकर्स का स्पीकर आप प्लेयर, ये क्या है? विच स्टेपलाइजर इज सूटेबल फॉर डेनन 6? सर भूल कर भी स्टेपलाइजर यूज मत कीजिएगा सिस्टम के ऊपर अपने, गलती से भी अगर लगाना चाहते हैं तो या तो CVT को यूज़ करिए या फिर ऑनलाइन UPS लीजिए। ऑनलाइन UPS ले लोगे तो सबसे बेटर ऑप्शन वही है,
स्टेपलाइजर मत यूज करो कभी भी। सुभाष जी 1.20 लाख तक का डॉल्बी एटमॉस सेटअप में क्या क्या स्पीकर्स और रिसीवर लगेगा? 120 में सर आपका डेनन का 1600 AVR आ जाएगा, पॉलकॉडियो का एक पैकेज मिल जाएगा या इलेक का पैकेज आ जाएगा जिसमें 8 इंच का सब बुफर आता है, 5 स्पीकर आते हैं, 2 स्पीकर अलग से और लगेंगे आपके, अगर सीलिंग पे लगाने हैं तो सीलिंग वाले लग जाएंगे, अगर सीलिंग नहीं है ऊपर छत है तो नॉर्मली वो वाले लग जाएंगे उसमें, तो 120 130 ऐसे कुछ बैठेगा वो आपको जाके। महाराष्ट्र में यही चल रहा है आई थिंक। कैन आई रन माई होम थिएटर ऑन इन्वर्टर? हाँ नहीं सर, इन्वर्टर अगर आपका शाइन वेव है तो ठीक है, अगर उसमें शाइन वेव का ऑप्शन नहीं है तो बेकार है, क्योंकि AVRs के ऊपर लिखा हुआ आता है स्पेशली, तो मे बी अगर यहाँ कोई AVR के ऊपर मेरे को दिख ही जाएगा तो मैं बता ही देता हूँ आपको। उल्टे पड़े हुए हैं, इसमें नजर ही नहीं आएगा, यहाँ पर दिखेगा नहीं यार। चलो खैर, तो वहाँ पर आपको शाइन वेव वाले को ही यूज़ करना है। अब वो आप इन्वर्टर अपना चेक करिए कि आपके इन्वर्टर कौन सा है आपका, बट वो भी ठीक नहीं रहता वैसे तो। जो हमारा इन्वर्टर्स होते हैं ना उसमें आपने देखा होगा कि जब लाइट जाती है ना तो वोल्टेज जो सी है वो फ्लक्चुएट सी होती है हल्की सी, तो पंखा भी चल रहा है तो उसमें आवाज़ भी आने लग जाती है गूं 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 गूं, तो वो जो आउटपुट देता है ना इन्वर्टर वो स्टेबल नहीं होती है, वो कॉन्स्टेंटली नहीं मिलती हमें, तो उसे ना यूज़ करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन UPS को यूज़ करो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। प्रशांत नाथ जी, इलेक सिनेमा 5 के साथ सुटेबल AVR कौन सा रहेगा प्लीज सजेस्ट? सर AVR 5.1 में ले रहे हो तो 550 BT ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 7.2 में लेना चाहते हो तो 2700 ले सकते हो या फिर 1600 ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर बजट। बृंद्र सिंह जी, बजट फॉर बजट होम थिएटर की 20 की कोई सेटअप अच्छा है अभी आपके पास? नहीं सर, 20,000 रुपये में कुछ भी नहीं है फिलहाल। और आगे बढ़ेंगे तो श्री राम जी, इन 100 के बजट प्लीज सजेस्ट AV रिसीवर एंड स्पीकर्स। सर 1 लाख के अंदर नहीं आएगा, 1 से थोड़ा ऊपर ही चला जाएगा, वही जो इतनी देर से आपको बजट बताता आ रहा हूँ, जो सिस्टम बता रहा हूँ वही सारा उसमें आएगा। तो आप, मैं काम करूँगा, कोशिश करूँगा इस चीज़ की कि कोटेशंस बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया करूँगा, तो उससे मे बी आपको शायद थोड़ा इजी हो जाएगा किसी चीज़ को भी डिसाइड करना आपके लिए। तो आपने चाहे वो हमसे लेनी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, आपने कहीं और से लेना है तो आपको एक वो मिल जाएगा कि मतलब पैकेज मिल जाएगा एक आपको कि हाँ इस पैकेज, ये वाला पैकेज जो उनसे मैं ले सकता हूँ। ओके दीपक जी, सर 50,000 के अंदर अच्छा बेस वाला कौन सा होम थिएटर है? सर बेस अच्छा चाहिए यार, होम थिएटर ले रहे हो बेस क्यों कर रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ लगती है एक बार कि होम थिएटर का मतलब होता है कि एक इफेक्ट बनाकर देना, बेस ज़रूरी है उसके लिए, मगर बेस बहुत ज़्यादा बेस चाहिए आपको तो सब ऊपर बड़ा लगा लो उसके अंदर। एयरगन सर एक और क्वेश्चन है, ठीक है, मैं 16:9 की स्क्रीन लगाने का प्लान कर रहा हूँ बट मूवीज़ 2:0 इस पर देखने के लिए ऊपर और नीचे मोटराइज मास्किंग करने का कोई सोल्यूशन बताइए प्लीज़ इप्सन। यार आप इस कंडीशन में तो देखो बेस्ट जो तरीका है वो यही रहेगा कि आप जो भी स्क्रीन ले रहे हो वो एक फुल रेशो की लो, और जो भी आपने मूवी देखनी है तो जो आपकी स्क्रीन है उसको आप उसी हिसाब से खोल लो कि जब भाई 16:9 पर जा रही है तो उसके हिसाब से स्क्रीन को खोल लो, अगर आप उसे किसी और रेशो पे चलाना चाहते हो तो उसी हिसाब से उसको बंद या उसको कम कर लो तो वो साइज़ जो है वो बन जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके ऊपर, प्रोजेक्टर सेट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। गिरीश जी, विच इज़ बेस्ट होम थिएटर फॉर माई सोनी ब्रेविया? अब सर बेस्ट होम थिएटर कौन सा है आपके लिए, इसके लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो है बजट आपका, कि बजट क्या है आपका, और सेकंड होता है रूम साइज़, और हरीश जी कह रहे हैं एंड्रॉयड
एंड्रो रॉबर्टसन अ पॉपुलर चैनल ऑफ ऑडियो होम थिएटर और कहाँ गया होम ऑडियो कहता है कि क्राउन से बढ़िया कोई एम्प नहीं है होम थिएटर के लिए। तो सर हो सकता है जी, देखो उनको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब जो उनको लगा उन्होंने बता दिया, जो चीज़ मैंने एब्जॉर्व करा है, मुझे लगा है कि दो चीज़ों को चलाकर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका और मेरा या किसी और तीसरे पर्सन का वो सेम हो। जिसको जो लगेगा वो वही बता सकता है। तो अभी हम मैंने जो भी बताऊंगा वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे जो लगा है। तो सबकी सबका एक जो एक्सपीरियंस है अलग अलग होता है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि वो ये कह रहा है या मैं ये कह रहा हूँ। भाई जो उसको लगा उसने कहा, जो मुझे लगा वो मैंने कहा। विजय लक्ष्मी जी 10 इंच सबवूफर कार की प्राइस बता दीजिए सर। सर कार के प्राइस के लिए आपको किसी कार वाले से ही पूछना पड़ेगा, मेरे को कार ऑडियो का नहीं पता लगेगा प्राइसेस वगैरह का। बलजीत सिंह जी, गुरु जी प्लीज़ सजेस्ट मी बुकशेल्फ स्पीकर्स एंड सराउंड स्पीकर्स। बलजीत जी डिपेंड ऑन योर बजट, कि आपको क्या बजट है, आपने किस एम्पलीफायर पर लगानी है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। तो अच्छा आपने बता दिया है AVR तो अपना 1600, तो बजट का भी बहुत ज़्यादा एक इसमें वो रहेगा। तो आप सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप इंस्टाग्राम पर एक बार मैसेज छोड़ दीजिए, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम जाएंगे जी करीची 4 ब्राविया टीवी 25,000 रूम साइज 200 स्क्वायर फीट। सर 25,000 तक में तो होम थिएटर कोई भी नहीं है, कम से कम भी आप लेओगे तो 65,000 के आसपास का बैठेगा जाके। सूरज जी ऑनलाइन UPS सजेस्ट करो। ऑनलाइन UPS भैया बहुत सारे हैं, माइक्रोटेक है वो ले सकते हो, और काफ़ी सारे हैं। मैं तो ज़्यादा जो उनसे मैंने यूज़ करे हैं, मैंने माइक्रोटेक ही यूज़ किया है ज़्यादा, तो मेरे को सही लगा है वो। बाकी कंपनीज़ बहुत सारी हैं उसकी, तो आप जितनी भी आपकी कंजप्शन है उसके हिसाब से आप उतने किलो वाट का ले लीजिए, दैट्स इट। 880 एक्स्ट्रा सब ऊपर में है, उसमें कितने इंच का ऊपर आप कितने वाट का सजेस्ट करोगे? इसके लिए सर मुझे इसकी स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी मॉडल की, तभी मैं कुछ बता पाऊँगा, ऐसे नहीं बता सकता मैं आपको। और अगर उसमें प्री आउट दे रखा है सबवूफर को लगाने के लिए, तो आप एक एक्टिव सबवूफर लीजिए, उससे आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है कितने वाट का है या कितने ओम्स का है या क्या है, डायरेक्टली लग जाएगा। बट अगर उसमें ये ऑप्शन दे रखा है तो, अगर नहीं है तो उसके लिए भी स्पेसिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी पहले। लाल के एस आई हैव JBL स्टेज, ओके सर। सौरभ जी, सर डेनन 2700 अवेलेबल है, क्या प्राइस है फिलहाल उसकी? सर 2700 अवेलेबल है अभी, प्राइस के लिए इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लोगे तो सस्ते में मिल जाएगा आपको। अंदाजन जो प्राइस है वो 75,000 के आसपास आएगा। मान यार प्लीज सजेस्ट 5.1 बुकशेल्फ प्लस 2 एटमॉस स्पीकर्स 1। ये सर बजट प्राइजिस के लिए एकदम से बताना ठीक नहीं रहता, क्योंकि एकदम से नहीं बता सकता मैं, ज़्यादा बता दूंगा कम बता दूंगा, कुछ भी गलती मैं ऐसा कर सकता हूँ वहाँ पर। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप मैसेज भेज दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको आपकी कोटेशन जो होगी वो मिल जाएगी और आगे बढ़ेंगे। तो रुपेश जी सर अब कार के लिए भी 5.1 डॉल्बी सराउंड सिस्टम आ रहे हैं। रुपेश जी अब से नहीं आ रहे, बहुत बहुत सालों से आ रहे हैं। 2000 के आसपास में मेरे पास में जेन थी एक, जिसमें मैंने 5.1 का सिस्टम लगा रखा था। यानी आज से तकरीबन कितने साल हो गए, नहीं 2000 में नहीं, 2006 या 2007 में थी, तो मेरे ख्याल से कितने साल हो गए उसको आप अंदाजा लगा लो। कि तब मैंने सोनी का ही एम्प था 5.1 चैनल का, वो मैंने लगा रखा था उसमें गाड़ी में। और रमनदीप सिंह जी सर 15,000 का कोई सर 15,000 में कोई क्या था आपका होम थिएटर वगैरह? तो कुछ नहीं आएगा इतने में आपका। ओके थैंक्स सर फॉर द रिप्लाई, यू आर वेलकम श्वेता जी। सर अगर टीवी में ERC ना हो और ARC हो तो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करेगा कि नहीं? यार कई कई कंडीशन में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जिसमें टीवी में ERC नहीं होता है ना, तब भी एटमॉस चला देता है, बट ज़्यादातर जो सा होता है उसमें वो नहीं काम कर सकता है। बट अगर आपके टीवी पे नहीं चल रहा है ना वो, तो आप प्लीज़ टीवी मत बदलना इसके चक्कर में, आप एक फायर स्टिक खरीद लेना और उसको अपने AVR पे डायरेक्ट लगा देना।
रमनदीप सिंह जी सर 15,000 का कोई 2.1 बुक शेल्फ मिल सकता है जाएगा न्यू में? 15,000 में सर थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा 15 से आपको, तो पॉल कॉर्डियो का S10 मिल जाएगा। रमनदीप सिंह जी सर 15, ये तो हो गया था ना। भूपिंदर सिंह जी सर हमने इलेक AJ1020 सबवूफर चाहिए, आप अपनी शॉप बता दो वहाँ से हम उठा लेंगे और प्राइस भी बता दो। सर 25,000 उसका प्राइस है, आप इंस्टाग्राम से एड्रेस ले सकते हैं या जैसे भी आप करना चाहो, डिलीवरी का होगी डिलीवरी मिल जाएगी जैसा भी आपको ठीक लगता हो। और रूम एक्टर अच्छा ओके ही। गुरुजी कैन यू टेल मी इफ यूनिवर्सल एवीआर रिमोट इज अवेलेबल इन मार्केट, डू आई हैव अ कैनवुड एवीआर दैट आई कैन रन विदाउट रिमोट? यार लॉजिटेक के आते हैं यूनिवर्सल रिमोट्स हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे भी माने जाते हैं, हारमनी के जो उनसे लॉजिटेक हारमनी, तो उसमें अलग अलग मॉडल होते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपको जैसी नीड है जितने पैसे आपने खर्चने हैं उस हिसाब से आप कोई भी मॉडल उनका ले सकते हो। रमनदीप सिंह जी भाजी पोल्क का S10 अच्छा नहीं है कोई और? यार कोई और अच्छा लेना है तो फिर थोड़े पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे 15,000 के आसपास में, और कोई आपको नहीं मिलेगा। परेशान आदि पॉसिबल टू ऐड एक्स्ट्रा सबवूफर विद यामाहा यस यस प्लीज सजेस्ट नेम एंड प्राइस। सर इसके AVR पर यार मुझे कंफर्म याद नहीं है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है इसमें एक सबवूफर एक्टिव भी लग जाता है और एक सबवूफर पैसिव भी लग जाता है जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी मैं आई एम नॉट श्योर। तो अगर तो मैं सही हूँ तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी सबवूफर देती है वो पैसिव देती है, तो आप उस पर एक एक्टिव सबवूफर फिर लगा सकते हो, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। उसके लिए एक बार आपको नेट पर देखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आनंद जी आई नीड 1500 वॉट्स 5.1 under 20,000। सर 5.1 होम थिएटर 20,000 के आसपास में कोई भी नहीं है, स्टार्टिंग जो है वो 60,000 to 65,000 के आसपास से होती है। सौरभ जी सर पॉल कॉर्डियो TL 1600 या टागा हारमनी 506 या सोनोडाइन है? सोनोडाइन को तो बिल्कुल सर लिस्ट में से बाहर कर दो, बिल्कुल बाहर कर दो, स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ हर एक बंदे को कि अपने हिंदुस्तानी होने पर वो मतलब क्या होता है, एक इंडियन ब्रांड है इस वजह से उसे खरीदने की वो मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ मैं इस ब्रांड से यार, बहुत ज़्यादा। और आगे चलते हैं तो क्या था पॉल्क और टागा? यार इन दोनों में अगर देखा जाए तो आप टागा भी ले सकते हो अगर, क्योंकि टागा की भी आवाज़ जो सी है वो TL 1600 से मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है, और साथ में अगर आप उसमें सबवूफर साथ में नहीं आता, सबवूफर आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो अच्छा है टागा का भी। रमनदीप जी कोई खुद का भी बुकशेल्फ स्पीकर कस्टमाइज मेड बनाते हो बेस्ट क्वालिटी का? रमनदीप जी कस्टम मेड बनाते हैं मगर सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाते हैं, सेल के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो हम बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होती है वो नए से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, जो एंट्री लेवल नए है, मतलब कि एक 30-40,000 रुपये का अगर एक बुक शेल्फ अगर आपको कहीं मिल रहा है तो जो मैं बनाऊँगा वो 30-40,000 रुपये में से शायद ऊपर ही चला जाएगा वो, तो इस वजह से क्लाइंट के लिए नहीं बनाते, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए तैयार कर लेते हैं हम कभी कभार, जैसे कोई ड्राइवर्स आ गए अच्छे ड्राइवर्स हैं तो वो लगा लूँ के कर लिया। ये पीछे मेरा ये ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे, तो अभी तो बंद हो गया, अब टाइम नहीं होता मेरे पास में ऐसा कुछ करने का, तो पहले टाइम हुआ करता था तो लगे रहते थे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते थे बैठ के। एंड सर जी मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, पढ़ लिया रमन जी आप ही का तो पढ़ा है। रिकमेंड बेस्ट डीप बास साउंड बार प्लस 25K। सर साउंड बार के लिए डीप बास तो भैया
यामा की 209 ले लो, वो ठीक रहेगी फिर आपके लिए, बेस ज़्यादा चाहिए तो। कूल इंडियन 11-14 रूम साइज के लिए। पॉल कॉडियो TL 1600 ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है सर, इस साइज के लिए बिल्कुल ठीक है। आज थोड़ा सा जल्दी मैं इसे क्लोज करूँगा क्योंकि पैकिंग करनी है काफ़ी सारी अभी शिपिंग भेजने के लिए। मानिक दास जी, लॉजिटेक 5.1 कैसा है? सर इसी सेगमेंट में रहोगे तो अच्छा है, अगर इस सेगमेंट से बाहर निकलना चाहते हो तो इससे और कई चीज़ें बेटर आपको मिल जाएंगी। सोनी से कोई बताओ तो। सोनी में यार आप देख लो एक बार नेट पे भी, हम तो एकदम से तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको क्योंकि सोनी में डील ही नहीं करता मैं। जी 9.2 चैनल ए वी आर कितने का मिल जाएगा? बजट 1 लाख। 9.2 सर आपको पड़ेगा तकरीबन 1,30,000-35,000 रुपये के आसपास, सिर्फ ए वी आर। ए वी आर जा रे जा ओ हरी जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल दे के मैं घर बैठी, दिल के दुश्मन से यारी। थक गए यार आज बहुत। JBL स्टेज से कोई बताओ। JBL स्टेज से मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आप अपने नेट पे चेक करो क्योंकि JBL स्टेज को हम सजेशन में डालते ही नहीं है, इसलिए क्या बताऊंगा मैं आपको उसमें यार। चिराग जी, चीपेस्ट 7.1 AVR। सर 7.2 ही आते हैं अभी, एटमॉस एनेबल जो से आते हैं तो वो एक रफली बता रहा हूँ जो आपको 55,000 रुपये के आसपास से स्टार्टिंग आ जाती है। सौरभ जी, सर यूज AVR 2700 मिलेगा? 27 सर यूज़ के अंदर में, एटमॉस में कोई भी AVR नहीं मिलेंगे अभी। मोनिका दास जी, मनिका दास जी सर मुझे 40,000 में कुछ बताओ। सर 40,000 में क्या बताऊं आपको, आप बताइए। एवीआर बताऊं, सब ऊपर बताऊं आपको या क्या बताऊं? चिराग जी 55,000 डेनन का AVR। जी सर, रूम एक्टर थैंक्स। ओके ब्रो, ये क्या मसला होता है अभी? अभी लाइव हमारी इतनी टाइम से चल रही है बट यहाँ पर शो जो उनसे कर रहा है वो कर रहा है स्टार्टेड, कहाँ गया, स्टार्टेड स्ट्रीमिंग लेस देन 1 मिनट अगो, इसका क्या मतलब हुआ? ओके तो चलो जो भी हुआ। चिराग 1600। जी, चिराग जी। सौरभ जी, यूज AVR लेते समय किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? सर सबसे पहले यूज़ से AVR लेते हुए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो AVR चलता है कि नहीं चलता है, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो AVR ख़रीदने में, आप जितना मर्जी चेक कर लो, बट कई फॉल्ट ऐसे होते हैं कि जो उनसे आपको वहाँ पर पता नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर आप एक किसी के पास जा रहे हो लेने के लिए AVR, वहाँ जाकर जब आप उसे चेक करोगे तो नॉर्मली हर इंसान 10 मिनट लगा देगा, 15 मिनट लगा देगा, इससे ज़्यादा टाइम आप किसी के घर पर बैठ के उसे चेक नहीं कर सकते हो, ना ही आप वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा लाउड करके देख सकते हो। इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जो नहीं कर सकते, बट जब हम उसे घर पर लेकर आते हैं उसके बाद में हम उसे कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए जब चलाते हैं तो हो सकता है उसमें तब कोई दिक्कत आ जाए। तो जिससे भी आप AVR ले रहे हो पुराना, ऐसे बंदे से लो जो कि ट्रस्टेड बंदा है, कि आपको उस पर ट्रस्ट है कि हाँ यार ये बंदा अगर दे रहा है तो ये गलत नहीं देगा कोई चीज़। तो सबसे बड़ा ध्यान आपने सिर्फ इसी बात का रखना है, बाकी आप कुछ भी कर लो, जो हादसा होना होगा वो हो ही जाएगा आपके साथ। भूपेंद्र जी 9.2 AVR 1,30,000 में कौन सी कंपनी बता रहे हो? ये क्यों बंद हो रहा है भाई? मानिक दास जी, सब ऊपर बताओ 40,000 में। सर जी 40,000 के आसपास अगर सब ऊपर लेने जा रहे हो आप, तो आप सर जी इलेक का ले सकते हो। वैसे यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ आपको,
आप 40,000 में सब ऑफर ले रहे हो ना, तो आप एक काम और कर सकते हो यहाँ पे। पैसे ज़रूर थोड़े से ज़्यादा चले जाएंगे आपके यहाँ पर, बट चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने अभी किसी के लगाया है ऐसे, तो तब मेरे को पता है। अगर आपके पास में 5.2 चैनल है, मतलब कि दो ऑप्शन है, सब दो सब ऊपर लगने के ऑप्शन है अगर आपके AVR में, तो आप इलेक्ट का 1020 मॉडल दो लो, 10-10 इंच के दो। मैंने कल लगाया था इसको, कल नहीं परसों, कल या परसों, कल ही लगाया ना, हाँ कल लगाया है भाई साहब। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ गई थी ना, जितनी मेरे को लगा नहीं था कि इतनी सही हो जाएगी, वो 10 इंच के दो सब ऊपर लगाने। हालांकि पैसे थोड़े से ज़्यादा, 10,000 रुपये आपका फालतू जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 25,000 का एक है, तो 50,000 के दो लगेंगे, मगर चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आप खुद कहोगे वाह गुरु जी वाह। ओके सर जी, सस्ते से सस्ता एम्प बता दो म्यूज़िक सुनने के लिए। सर सस्ते से सस्ता एम्प अगर आप लेते हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 25,000 रुपये तो आपको खर्च नहीं पड़ेंगे सर। दीपक जी, सर जैमो 606 5.1 कैसी परफॉर्मेंस है, अगर डेनन 3400 में लगाते हैं? सर 606 जैमो अच्छे मॉडल हैं, बेस बूस्ट भी काफ़ी अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छे हैं। मिड रेंज जोन सी है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा लगे, बट मुझे जो सा लगा है वो थोड़ा सा मुझे मिड के अंदर में उसके वो लगता है कि जो उसके साइड के अंदर में सबवूफर लगा हुआ है, सॉरी बूफर लगा हुआ है ना, वो जब ज़्यादा एक्सेस पे आ जाता है ना, ज़्यादा चलता है जैसे, तो मिड रेंज जोन सी है ना वो थोड़ी सी ना उसमें से ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, तो ये एक थोड़ा सा इशू ये लगता है मुझे। बट ये चीज़ें हर कोई इसे इतनी मतलब इसे नहीं सुन पाता, इतनी चीज़ों इतना ध्यान नहीं दे पाता, बट हमारे तो ऐसा होता है कि जब हम सुन रहे होते हैं ना, हमारे को तो है ना अच्छाइयाँ ढूंढने से ज़्यादा ये होता है कि इसमें कमियाँ ढूंढें कि कमियाँ क्या आ रही हैं इसके अंदर, अच्छाइयाँ तो कोई भी सुन लेगा। तो उस कंडीशन में 606 जोन सा है ना, उसमें मेरे को जो थोड़ा सा इशू जो लगा है वो यही है कि मिड रेंज जोन सी है ना वो थोड़ी सी जब लाउड जाते हैं हम, तो जब बेस ज़्यादा आता है ना, तो मिड रेंज जोन सी है ना वो फिर नीचे बैठनी शुरू हो जाती है उसकी। वैसे बहुत अच्छे स्पीकर हैं, और अगर 606 सिर्फ फ्रंट भी आप लगाते हो, एज अ टावर लगा रहे हो खाली एक्सटीरियर के लिए, तो अलग से सबवूफर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें, इतनी अच्छी बेस भी आती है मतलब कि उसके अंदर। ठीक है पटेल जी, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए प्लीज़। सर कॉन्टैक्ट नंबर आपको इंस्टाग्राम से मिलेगा, पहले वहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी बात आपकी वहाँ से नहीं होती है, वहाँ पर आपको मेरी टीम से बात करनी होती है। आपने अगर मुझसे बात करनी है तो आप इस लाइव पर ही मुझसे बात कर सकते हो, अगर आप मुझसे अलग से बात करना चाहते हो तो उसके 500 रुपीज़ चार्जेज होते हैं 20 मिनट्स के लिए फ़ोन कॉल पर, और वो 500 रुपीज़ जो उनसे होते हैं वो रिफंडेबल होते हैं, आपको वापस कर दिए जाते हैं आप जब भी हमसे कोई सर्विस लेते हैं या आप हमसे कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर लाइव के अंदर में कोई भी सवाल आपका जो है आप पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको यहाँ दूंगा बिना किसी चार्जेस के। बट अगर आप इंडिविजुअली फ़ोन पर बात करना चाहते हो तो उसके लिए जो रूल रखा गया है वो यही है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 500 रुपीज़ पे करने होते हैं, उसे आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, फीस कह सकते हो या जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। वो हमारी खुद की सुविधा के लिए हैं, क्योंकि सिर्फ सीरियस बंदा जो होगा वही 500 रुपये दे के मेरे जैसे बंदे से बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। को फालतू में कोई 500 रुपये थोड़ी खर्चेगा टाइम पास करने के लिए, तो मुझसे बात करनी नहीं किसी ने, तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए चार्जेस है। और 500 रुपीज़ जो आप दे रहे हो मुझे, मुझे आपके 500 रुपीज़ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक क्लाइंट अच्छा चाहिए जो कि सीरियसली कुछ पूछना चाहता है या कुछ लेना चाहता है, तो इसलिए वो 500 रुपीज़ को भी हमने रिफंडेबल रखा हुआ है। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए मुझे आपका ये हो गया था, आई बॉट डेनन 1600 एंड वॉल्कर टी सीरीज़, दोज आर गुड कॉम्बिनेशन। सर टी सीरीज़ जोन सी है वो मेरे हिसाब से तो अच्छी नहीं लगी मुझे, और बाकी मैंने कईयों ने लगाई भी है। अभी हमारे एक क्लाइंट है, अभी रिसेंटली उन्होंने सारा सामान लिया है, अभी वो मुझे सारा सामान कह रहे हैं कि आप मेरा सेल करवा दो, तो मेरे को ये नहीं अच्छा लगा, मेरे को टी सीरीज़ जोन सी है बिल्कुल बेकार है, ये है वो, मतलब इस तरीके से कई बंदों ने मुझे बोला है। हालांकि मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता किसी को, ना ही मैंने अभी तक टी सीरीज़ को बेचा है। एक मॉडल मैंने सिर्फ मंगवाया था अपने डेमो पे लगाने के लिए, और जब मैंने खुद ने उसका डेमो दिया था तो वो बेचने के बाद में मैंने दोबारा ना तो उसको मंगवाया है और ना ही मैंने किसी को सजेस्ट किया है, तो उससे अच्छा आप सैटेलाइट्स लगा लो वो ज़्यादा बेटर है। कूल इंडियन 14x16 के लिए डेनन AVR 2700 या 3700? सर 11x14 के कमरे के लिए आपको 2700 लेना सही रहेगा, आपको 7 चैनल की ज़रूरत है, यहाँ पे 9 चैनल नहीं चाहिए होते आपको। अगर आपको 8K का सपोर्ट चाहिए, ड्यूल HDMI आउट चाहिए, तो आप 2700 ले लो, अगर ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप 1600 भी ले सकते हो।
उपेंद्र जी सर आपने बताया था 9.2 चैनल AVR 1,30,000, कौन सी कंपनी का बता रहे हो? सर डेनन का बताया था मैंने आपको 1,30,000 में, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक अंदाजे के लिए एक प्राइस आपको बता रहा हूँ मैं, हो सकता है कि एक्चुअल प्राइस इससे कम भी हो और हो सकता है कि इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो। सूर्या जी सर विच इज़ गुड LFE? सर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपने क्या, अगर आपने सबवूफर भी लगाया हुआ है और आपने टावर स्पीकर्स लगा रखे हैं साथ में तो आप LFE पे रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ जो लो फ्रिक्वेंसी है वो आपका सबवूफर देगा। अगर आपने सबवूफर नहीं लगाया हुआ है तो उस कंडीशन में आप इसे मेन प्लस LFE पे कर दो कि जो बेस है वो आपके फ्रंट स्पीकर लेफ्ट और राइट है उनमें भी आना शुरू हो जाएगा। ओके तो आगे बढ़ने में प्रवीण कुमार जी सर रिलैक्सिंग फाइव पोल सर ये तीनों में ही कंपटीशन एक तरीके से कह सकते हो। एक की वीडियो तो अभी थोड़े दिनों में मैं डाल दूंगा, टागा हारमनी की जो सी है वो थोड़े टाइम रुक के डालूंगा। इन दोनों का बाकी जो कंपेयर है TL 1600 और रिलैक्सिनेमा 5 का, इसकी वीडियो एक दो दिन में आ जाएगी तो आप देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तस्कर जी भाई सर बेस के लिए RT303 जोन सी है वो सुना है मैंने कि हाँ बेस काफ़ी अच्छा देती है। चिराग जी डेनन 1600 पोल कॉडियो 1600 पोल कॉडियो OWN3 सेटअप टोटल प्राइस कितना होगा? सर अंदाज़ा है के तौर पे आपको चिराग जी बता देता हूँ मैं 120 और 130 के आसपास का एक्चुअल प्राइस जो है वो कंडीशन बनाकर देनी पड़ेगी आपको, तो वो अभी मेरे को ऐसे नहीं दे पाऊँगा और अंदाजन जो है वो इसके आसपास होगा। रमन सिंह जी सर BMW बुकशेल्फ स्पीकर्स कितने से शुरू होते हैं? BMW के बुकशेल्फ सर आई थिंक कुछ 60-70 हज़ार रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाते होंगे, नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली बट अंदाज़ा है ये कि 50-60 हज़ार के आसपास से शुरू हो जाता होगा वो जो बेसिक मॉडल जो उनसे आता है इनका। के पटेल जी मुझे बिजनेस के लिए चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर। ओके मैंने इंस्टाग्राम पे कैसे चेक करूँ मैं इंस्टाग्राम? ओके सर इंस्टाग्राम पटेल जी नहीं यूज़ करते हैं तो आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं मेरे, आप सर्च कीजिएगा RS ऑडियो इंडिया, उसके लिए आप पेज पर जाकर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं बात। और कमल करना जी ये अमित शर्मा जो बंदा है ना टू गुड है, प्लीज़ लाइक देम। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना इमोशनल मत करो मुझे, रुलाओगे क्या? टैटू 16 जी आपका मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास में, यहाँ से हट गया है, आई थिंक आपने डिलीट किया है या यूट्यूब वालों ने कर दिया है पता नहीं, तो आप दोबारा भेज दीजिए। अगर RD द बॉस प्लीज़ सजेस्ट गुड साउंड बार। सर साउंड बार अब कितने में लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, साउंड बार की एक वीडियो और बना दूंगा यार मैं, अभी मेरे को याद रहता नहीं है मॉडल नंबर क्या है, बाद में आप पूछते तो पता नहीं लगता, इससे अच्छा वीडियो ही बना के डाल दूंगा 5-5 की। रमनदीप जी सर स्टीरियो स्पीकर्स में बुकशेल्फ स्पीकर अच्छे होते हैं या सैटेलाइट? सर स्टीरियो सेटअप अगर लगाना है तो बुकशेल्फ ही लगेंगे, वहाँ सैटेलाइट्स नहीं लगेंगे। सबवूफर के साथ, हाँ अगर सबवूफर की प्री आउट आपके स्टीरियो एम्पलीफायर में दे रखी है तो आप वहाँ पर उस कंडीशन में आप सैटेलाइट भी यूज़ कर सकते हो, बट तब भी एक दिक्कत ये आती है कि सैटेलाइट्स जो है वो इतनी ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाते, तो आप जब लाउड करोगे आवाज़ को तो वो आवाज़ जो सी वो फटनी शुरू हो जाती है फिर। और कुमार मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ इनका कस्टमर बनकर, हर टाइम पे पूरा सपोर्ट मिलता है इनसे, धन्यवाद अमन कुमार जी। प्रभीर जी कुमार जी सर जी 500 रुपये इज प्राइज लेस कंपेरिजन टू एडवाइस गिवन बाय यू विच सेव्स 1000 एंड गेट्स बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच प्रवीर जी, बट ये चीज़ हर बंदा नहीं समझ पाता है इसको।
कूल इंडियन जी, क्या आपके पास डेनर नेवियर 2700 अवेलेबल है? प्राइस बताएं सर जी। अंदाज़ा जो है, एक रफली प्राइस आपको बता रहा हूँ मैं, 75,000। और रेडी स्टॉक में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, शिपिंग करवाना है शिपिंग हो जाएगा, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा, अवेलेबल है। और इसके आगे हम जाएंगे, श्रीवास्तव जी सर, सोनी ये वाला मॉडल है भी, रिसीवर प्राइस? सर सोनी में डील नहीं करते, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैं प्राइस नहीं बता सकता इसका आपको। भूपिंदर जी, यहाँ हारमोनी स्पीकर्स कैसे हैं, क्वालिटी वाइज कैसे हैं? टागा हारमोनी की बात भैया अगर कर रहे हो तो क्वालिटी वाइज जितने के वो हैं उतने के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतने क्वालिटी है उनके अंदर, जितने पैसे आपसे कंपनी लेती है। अभी मेरे पास में भी आ चुका है बट मैंने अभी स्टॉक नहीं लिया है सीरियसली। आपको कंपनी का अप्रोच हमारे पास आ चुका है कि आप करो, हम आपके साथ में करना चाहते हैं काम, बट अभी मैंने ऑर्डर में स्टॉक में कुछ नहीं उनको बोला कि हाँ मैं रखूँगा या नहीं रखूँगा, बेचूँगा नहीं बेचूँगा, बट बहुत से लोग मुझसे मांगते हैं तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि हाँ इसको शुरू कर लूँ, क्योंकि एक्चुअली स्पेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है यार, क्या क्या रखें अब मेरे पास में जगह का बहुत है। अब एक ये है, एक ऊपर का फ्लोर है मेरा और एक गोडाउन है वो अलग है वो, तो अब नई नई चीज़ें रखते जाओ रखते जाओ तो उसको रखें कहाँ? और मेरे पास में मतलब मूविंग, जैसे एक लोकल क्लाइंट जो है ना वो काफ़ी कम आता है मेरे पास में, मेरे पास ज़्यादा जो उनसे काम है वो ऑनलाइन आता है, ऑल ओवर इंडिया मेरा पार्सल जाते हैं। अभी भी अगर मैं आपको अभी कैमरे से दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी तकरीबन अभी मेरे पास में ग्यारह पैकेज जो उनसे हैं वो पड़े हुए हैं, जो कि मैंने अभी शिपिंग भेजनी है जिनकी, ये मंडे को 11 पैकेज जो उनसे ये सभी जाएंगे उनसे। और अभी लास्ट जो उनसे कल मैंने पार्सल भेजे हैं, कल मैंने 4 पार्सल भेजे हैं अलग अलग जगह पर इंडिया के ही। तो मेरे पास में मेन जो काम है ना, मेरे पास में ऑनलाइन का काम ज़्यादा है कि भेजने का, बाकी क्लाइंट जो उनसे हैं वो लोकल क्लाइंट भी आते हैं तो वो भी लेते हैं, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ना शोरूम टाइप लुक बनाने में ज़्यादा ध्यान मेरा नहीं जाता, क्योंकि क्लाइंट फिजिकल यहाँ आता काम है तो मेरा जो है मेरे को जगह यूटिलाइज करनी होती है, तो ऐसे ही बस जैसे आप देख रहे हो ना, एक डब्बे के ऊपर एक रख दिया, एक रख दिया, एक रख दिया, इस तरीके से करके मैं सामान को रखता जाता हूँ। और हालांकि अभी भी जगह जो है वो कम है तो बाकी चलती जा रही है, बाकी चलता ही रहेगा वो तो। चलिए आगे हम जाएंगे, यार आगे नहीं जाएंगे हम भैया, 11 बज गए हैं, मैंने सामान पैक करना है, 2-4 पैकेट और जो कि भेजने हैं ज़रूरी, और वैसे भी 11 तो बज गए, तो चल यार ये क्या, उसमें बजे हैं 10:53 और यहाँ पर हो रहे हैं 11:02, तो ये घड़ी जोन सी है वो सही नहीं है। तो यार ये काफ़ी सारे कमेंट्स जोन से हैं और भी आ गए हैं यहाँ पर, तो लास्ट कमेंट है जोन सा वो है आरडी द बॉस जी का, तो इससे ऊपर के जो कमेंट हैं उनको मैं एक बार देख लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद में अलविदा कहेंगे हम आपको। तो हम थे, सर 10K में कोई अच्छा प्रोजेक्टर बताएं, सर 10K में कौन सा प्रोजेक्टर मिलेगा आपको? सर लॉजिटेक Z900 कैसा है, 5.1 आउटपुट ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक अच्छा है सर इसी सेगमेंट के अंदर? और टेटोसोला, मेरे पास मरान 60 है उसके लिए सब ऊपर, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोल्क ऑडियो ST10 JBL? ये टैटू जी, आपसे मेरी आई थिंक आपने मेरे को पहले फ़ोन पर भी हमारी शायद बात हुई थी जहाँ तक मुझे लगता है, आई थिंक आपने सबवूफर ही लिया था मुझसे शायद, ये मंगवाया था, और एक बार आपने वो 500 रुपीज़ वाली सर्विस भी मुझसे ली थी शायद जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप यार सबवूफर इन दोनों में से मत लो, अच्छा आपका सेटअप लगा हुआ है, आई थिंक डेफिनेटिव के स्पीकर्स आपने लगाए हुए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो ऐसी कंडीशन में सबवूफर थोड़ा सा और अच्छा ले लो। थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपको रेल एकॉस्टिक की मेरे पास रेट आ जाए एक बार, मेरे पास अभी लिस्ट नहीं आई, तो उसके भी सबवूफर मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा उसमें से जो से बेस्ट होंगे। टेका है सर वो, ठीक है सर वो, गोविंदर सिंह जी 9.1 इफेक्ट कैसा है, आए ट्रली बस रिप्लाई, पाजी मेरे घर पे इंसुलेशन के पैसे लेते हो अलग से? पाजी आप घर पे इंसुलेशन के पैसे लेते हो अलग से? बिल्कुल रमनदीप जी, बिल्कुल लेते हैं सर, लेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, हमने भी बच्चे पालने हैं अपने, बट ये नहीं है कि लेने ही लेने हैं, अगर आप खुद कर सकते हो तो हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट होती है, मैं आपको फ़ोन पर ही बता दूंगा
बट अगर आप फिर भी कहते हो, क्योंकि कई क्लाइंट्स होते हैं जिनसे वो बिल्कुल नहीं करना कर पाते, तो वो फिर बुलाते हैं, तो उसके चार्जेस होते हैं। बाकी हर क्लाइंट को मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप खुद कर सकते हो तो आप चाहे रात को 12 बजे मेरे से फ़ोन पर बात करो और इंस्टॉलेशन करो, अपनी किसी बंदे को लगा लो, अपने बिजली वाले को, मेरी फ़ोन पे उससे बात करवाते रहो, मैं 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे फ़ोन पर ही आपकी सारी इंस्टॉलेशन करा दूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आपने सामान मुझसे लिया हुआ है तो। ठीक है, वो फिर मेरी जिम्मेवारी वाला काम हो जाता है। अगर नहीं करवा सकते, आप मुझे बुलाना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में फिर आपको चार्जेस पे करने ही पड़ते हैं। तो यार अभी काफ़ी सारे इसमें कमेंट्स आ गए हैं, तो इनके जवाब अभी यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे मुझसे भी, क्योंकि टाइम हो चुका है। और जिस जिस भाई के जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ यहाँ पर, उनसे माफ़ी मांगूंगा। और आपने जो भी पूछना है यार, वो आप किसी भी वीडियो पर कमेंट कर देना, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर एक कमेंट का जवाब देता रहूँ। तो आपके जो भी सवाल आप यहाँ पूछना चाहते हो, जिसका जवाब मैंने नहीं दिया या मैं नहीं दे पाया या जो भी है, या आप भी नहीं कर पाए कमेंट, तो वो आप मेरी किसी भी वीडियो पर कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो या यूट्यूब पर भी। यूट्यूब के जो कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाई जो से वो 99% मैं खुद करता हूँ। इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज पर जो से कमेंट्स आते हैं उसके जो से रिप्लाईज हैं वो 99% जो से वो मैं नहीं करता हूँ। तो आप यहाँ पर भेजोगे तो मेरी तरफ से रिप्लाई आएगा, अगर आप वहाँ भेजोगे तो उनकी तरफ से आएगा। बट प्राइस के बारे में पूछना है, कोटेशन के बारे में पूछना है, तो वो आपको इंस्टाग्राम पर पूछना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर, इस लाइव को समाप्त कर देंगे। और लाइक नहीं किया हुआ अगर किसी ने तो लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी तरह से चलते रहो यार, खुश रहो, आबाद रहो, और क्या करने हैं। तो चलो चलते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको किसी नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा, और जाते जाते हमेशा की तरह सिर्फ एक ही बात आपसे कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों। चलिए पैकअप किया जाए बच्चा।